हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू ग्रेविटी क्लासेस ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वन शॉट में इरेशनल इनइक्वालिटीज को, यानी कि वीवी कर्व मेथड। अब वीवी कर्व मेथड बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम स्टार्टिंग ऑफ 11th में ही पढ़ लेते हैं, और ये हमें आगे जैसे जैसे हम चैप्टर्स करते जाएंगे, जैसे अभी आपके बेसिक मैथ में ही आगे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज वगैरह, लॉगरिथमिक इक्वेशन, डोमेन, रेंज है ना, और ट्रिग्नोमेट्री में इनइक्वालिटीज, और आगे जाके अगर हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इंटरवल्स निकालते हैं फंक्शंस के, तो उसमें हमें जो है वीवी कर्व मेथड का यूज करना पड़ता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है आपके लिए चीज है, और आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो रेशनल इनइक्वालिटीज पे पहले जाने से पहले है ना अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं बेटा इंटरवल्स के बारे में। इंटरवल्स क्या होते हैं? बेसिकली इंटरवल्स कुछ नहीं, सेट ऑफ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन इंटरवल्स का यूज करते हैं। इंटरवल्स को क्यों यूज किया गया भाई? सेट ऑफ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि बार बार तो मैं वो सेट की तरीके से लिखने वाला नहीं हूं उस चीज को, है ना। अब जैसे 2 से 50 के बीच रियल नंबर्स लिखने हैं, तो बहुत सारे रियल नंबर्स, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इंटरवल्स डिफाइन किए। तो सबसे पहले टाइप का जो इंटरवल अपने पास आता है बेटा, दैट इज नोन एज ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मींस होता है बेटा, जैसे अगर मेरे को लिखना है कि एक्स जो है वो ए और बी के बीच में बिलोंग कर रहा है, यानी ए से तो बड़ा है और बी से जो है वो छोटा है। अगर एक्स ए से बी के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो आप इंटरवल से बेटा इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स फ्रॉम ए टू बी, और ये जो है ओपन ब्रैकेट ये दर्शाएंगे कि एक्स जो है वो ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, बट ए से बी तक कुछ भी हो सकता है ना। X is a real number between A and B. अगर इसको मैं number line पे represent करना चाहूं, तो बेटा let's say ये A है और ये B है, तो X अगर A से B तक कोई भी real number हो सकता है, A नहीं हो सकता बेटा, तो A पे आप open mark करेंगे, B नहीं हो सकता तो B पे आप open mark करेंगे, बट बीच में ये कुछ भी हो सकता है X। तो इस तरीके से बेटा मैं इसको number line पे represent कर सकता हूं, that is my open interval A to B, है ना। जैसे मुझे लिखना है भाई represent using intervals x is a real number between 5 and 76, जैसे ये दे दिया x एक रियल नंबर है किसके किसके बीच में बेटा, 5 और 76 के बीच में। अब बिटवीन बोला हुआ है, तो बेटा ना तो वो 5 हो सकता है और ना वो 76 हो सकता है, तो बिटवीन आएगा, तो ओपन आप इंटरवल यूज करके आप इसको बेटा सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स बिलोंग करेगा 5 to 76, ओपन इंटरवल का मतलब है बेटा ना तो वो 5 के इक्वल होगा ना वो 76 के इक्वल होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5 होगा एंड लेस देन 76 होगा। तो ये अपना पहले टाइप का इंटरवल आता है। मूविंग ऑन, सेकेंड अपने पास जो इंटरवल आता है, दैट आर नोन एज क्लोज्ड इंटरवल। अब की बार बेटा अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है कि एक्स ए से लेकर बी तक कुछ भी हो सकता है, पिछली बार मैं बोला था ए और बी के बीच में कुछ भी हो सकता है, बोल रहा हूं ए से लेकर बी तक कुछ भी हो सकता है, यानी ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और बीच का कोई भी नंबर अगर हो सकता है। अगर इसको मुझे इंटरवल्स में रिप्रेजेंट करना है बेटा, तो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, एक्स बिलोंग्स फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। यहां पे बेटा पहले ओपन के लिए अपन सिंपल ब्रैकेट यूज करते थे, क्लोज्ड इंटरवल के लिए अपन क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट्स का या क्लोज्ड ब्रैकेट्स का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अगर कहीं पे मुझे लिखा हुआ मिल जाए कि भाई एक्स बिलोंग्स फ्रॉम 7 to 15, तो इसका मतलब होगा कि x जो है बेटा वो 15 या 15 से छोटा होगा और 7 या 7 से बड़ा होगा। क्लोज्ड इंटरवल जब हम लिखते हैं, तो वो जो एंड या फिर एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, वो भी आपका x जो है या वेरिएबल जो है वो अटेन कर सकता है। अब बात आती है बेटा इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये अगर a है, ये b है, और ए और बी को अगर मुझे इंक्लूड करना है, तो बेटा हम उसे कैसे, क्लोज्ड सर्कल से मार्क करते हैं। ओपन के लिए ओपन सर्कल होता था बेटा, यहाँ पे डार्क सर्कल या क्लोज सर्कल से मार्क करेंगे, और ए से बी के बीच में भी कुछ भी हो सकता है एक्स, तो ए बी दोनों को इंक्लूड करने के लिए दोनों को डार्क किया एंड उनके बीच वाला पूरा इंटरवल जो है वो लाइन से हमने बना दिया। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई एक्स ए बी और उसके बीच का कोई भी रियल नंबर जो है वो हो सकता। मूविंग अहेड, नेक्स्ट बेटा आता है अपने पास सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स।
सेमी ओवर, वो नाम से ही समझ जाना चाहिए भाई, एक तरफ क्लोज होगा और एक तरफ क्या होगा, ओपन होगा, है ना। जैसे भाई मेरे को बोल दिया x जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन a होगा, बट b या b से छोटा हो सकता है, यानी b तो हो सकता है बट a नहीं हो सकता। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा देखिए, जहां पे आपको जिसको इंक्लूड नहीं करना वहां पे तो आप क्या लगा देते हैं, ओपन वाला ब्रैकेट लगा देंगे, और अगर बी को इंक्लूड करना है तो बी पे कैसा ब्रैकेट लगा देंगे, क्लोज्ड वाला ब्रैकेट लगा देंगे। इसे ही मुझे अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो बेटा ए पे कैसा ओपन सर्कल बनाऊंगा, बी पे कैसा क्लोज सर्कल बनाऊंगा, और बीच के पूरे नंबर्स को अपन क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। इसका मतलब होता है ए से बी तक कुछ, इंक्लूडिंग बी, नॉट इंक्लूडिंग ए, ठीक है। अब ऐसे ही बेटा मुझे लिखना हो एक्स इज अ रियल नंबर लेस देन 10 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, ऐसे लिखना हो बेटा। जैसे एक्स एक रियल नंबर है जो कि 10 से तो छोटा है बट ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 है, तो बेटा एक्स को हमें बिलोंग करता हुआ लिखना पड़ेगा -3 से 10, 10 से स्ट्रिक्टली छोटा है रियल नंबर लेस देन 10, एंड 3 -3 से जो है वो या तो बड़ा भी हो सकता है या -3 के इक्वल भी हो सकता है। तो -3 पे आप क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे और 10 पे जो है बेटा आप ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये आपके पास बेसिक इंटरवल्स होते हैं बेटा, आप इंटरवल्स को कनेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट और एक दो चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी चाहिए, नोट करके आप लिख सकते हैं। पहली चीज तो ये है बेटा, इंफिनिटी और -∞ ऑलवेज हैव ओपन ब्रैकेट। बेटा इंफिनिटी और -∞ पे कभी भी अपन क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है x ग्रेटर देन 5, तो इसको बेटा मैं लिख दूंगा x बिलोंग्स फ्रॉम 5 टू इंफिनिटी। अब ग्रेटर देन 5 है तो 5 भी इंक्लूड नहीं होगा, और इंफिनिटी पे तो हमेशा ही ओपन इंटरवल आता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, जैसे अपन ने बोल दिया भाई x मेरे को चाहिए, x लेस देन इक्वल टू -3 चाहिए, -3 या -3 से छोटा, तो -3 से छोटा तो कहां तक जा सकते हैं अपन, -∞ तक जा सकते हैं। तो x belongs from क्या लिख देंगे, -∞ to -3, बेटा -∞ पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगा और -3 पे कैसा आ जाएगा, क्लोज्ड ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहीं से आप बेटा ये चीज भी लिख सकते हैं, अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ दे रखा हो x is greater than equal to a, तो इसका मतलब होगा x belongs from a to infinity। अगर कहीं पे बेटा मेरे को लिख के दे रखा हो x is less than equal to a, तो यहां पे आ जाएगा x belongs from -∞ to a, ठीक है। अगर बेटा कहीं पे मेरे को लिख के दे रखा हो x is belonging to all real numbers, x कोई भी real number हो सकता है, तो इसका मतलब बेटा क्या होगा कि x -∞ से infinity तक कोई भी real number हो सकता है, ठीक है। वहीं पे अगर यहां पे बेटा strictly greater than होता तो a को मैं include नहीं करता, यहां पे strictly less than होता तो हम a को include नहीं करते, ठीक है। तो ये कुछ आपके पास बेसिक चीजें होती हैं इंटरवल्स की, ठीक है। अब इंटरवल्स का यूनियन इंटरसेक्शन, वो जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे मैं आपको बताते चलूंगा, उसी के साथ इंटरसेक्शन और यूनियन कैसे लिया जाता है, ठीक है। तो अब रेशनल इनइक्वालिटीज बेटा पढ़ेंगे, बट उससे पहले थोड़ा 9-10 में हमने ना लीनियर इनइक्वालिटीज थोड़ा बहुत सॉल्व करना सीखा है, तो उनको एक बार देखते हैं अपन कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि ये एग्जांपल है, जो भी एग्जांपल है बेटा, ये चीज आप 9-10 में पढ़ चुके हो, तो एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई कर सकते हो, है ना, फिर उसके बाद जो है आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं बेटा, देखिए 16-5x ग्रेटर देन इक्वल टू 21 है, तो अपन लीनियर इनइक्वालिटी में क्या करते हैं, एक्स वाले टर्म को अपनी साइड रखते हैं, बाकी सारी चीजों को दूसरी तरफ भेज देते हैं, है ना। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा -5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21 में से 16 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बेटा, कितना आएगा 5। अब बेटा देखिए यहां पे आप माइनस साइन से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, अभी अभी के लिए आप माइनस को क्रॉस मल्टीप्लाई मत करिए, क्योंकि आपको माइनस का आइडिया नहीं है। देखो माइनस से बहुत सारी चीजें हो जाती है। देखिए अगर एक इनइक्वालिटी में मैं देख रहा हूं 3 इज लेस देन 5 है ना, 3 5 से छोटा होता है, बट अगर दोनों साइड को मैं किसी भी नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देता हूं, लेट्स से बेटा मैंने दोनों साइड को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 इंटू -2 तो बन जाएगा -6, मल्टीप्लाई कर दिया किससे, -2 से, तो 3 इंटू -2 तो बन जाएगा -6।
एंड 5 × -2 बन जाएगा -10। अब बेटा यहां तो -10 छोटा होता है ना, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर कोई भी इनइक्वालिटी है मेरे पास, उसको अगर मैं दोनों साइड किसी नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इनइक्वालिटी को क्या कर देंगे आप, चेंज कर देंगे। ठीक है, तो आप एक तरीके से क्या कर सकते हैं, आप -5 से डिवाइड कर देंगे। -5 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, -1/5 से मल्टीप्लाई करना। इनइक्वालिटी को क्या करना पड़ेगा बेटा, चेंज करना पड़ेगा। तो -5 से डिवाइड किया जब आपने बेटा, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू है तो यहां से मेरे पास x आ जाएगा <-1। ठीक है, तो अगर इसको इंटरवल्स में लिखना है मुझे, तो मैं लिख सकता हूं x बिलोंग्स फ्रॉम -∞ से -1, <-1 है तो -1 क्या रहेगा बेटा, इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। अगर किसी भी इनइक्वालिटी को दोनों साइड में नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूं बेटा, तो उस इनइक्वालिटी, वो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। रिवर्स होने का मतलब अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी, लेस देन है तो वो ग्रेटर देन हो जाएगी, एंड ग्रेटर देन है तो वो लेस देन हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं बेटा। जैसे ये अपने पास है अभी एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल है सबसे पहले बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, x -3 > 0। तो क्या करेंगे बेटा, जस्ट 3 को भेज देंगे राइट हैंड साइड, 3 को राइट हैंड साइड भेजेंगे, क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 3। और आप इसको बेटा अगर इंटरवल्स में लिखना चाहते हैं, तो अगर x ग्रेटर देन 3 चाहिए तो 3 से बड़ा तो इंफिनिटी तक जा सकता है, और 3 को इंक्लूड नहीं करना है, 3 को इंक्लूड नहीं करना है, तो बेटा ओपन आपके पास इंटरवल लग जाएगा, ओपन ब्रैकेट से आप इसको मार्क कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास 3x - 2 < 0। तो बेटा यहां से पहले तो अपन ने 2 को भेजा राइट हैंड साइड और फिर 3 से डिवाइड कर दिया। अब 3 पॉजिटिव वैल्यू है, 3 पॉजिटिव वैल्यू है तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, नेगेटिव होती तो इनइक्वालिटी चेंज करनी होती है, पॉजिटिव पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 से मैं सीधा डिवाइड कर सकता हूं, एक्स आ जाएगा बेटा <2/3। और अगर मुझे x 2/3 से छोटा चाहिए तो 2/3 से छोटा तो बेटा मैं -∞ तक जा सकता हूं, 2/3 से छोटा ही मिलेगा ना मेरे को, एंड मैक्स टू मैक्स में जा सकता हूं 2/3 तक, बट 2/3 नहीं हो सकते, इसलिए 2/3 पे कैसा लगेगा, ओपन आपके पास ब्रैकेट लगेगा, और इन्फिनिटी और -∞ पे तो बेटा हमेशा ही अपने पास ओपन ब्रैकेट जो है वो लग जाते हैं, है ना। चलिए तीसरे को करने की कोशिश करते हैं। तीसरे में -3x + 2 < 0। तो बेटा एक तो तरीका ये है कि मैं ऐसे लिख देता हूं, 2 is less than 3x, 3x को उधर भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आ जाएगा बेटा 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2/3 < x। और बेटा इसको ऐसे भी तो रीड किया जा सकता है ना कि x is > 2/3। तो आप लिख देंगे x कहां से कहां तक बिलोंग करता हुआ है, 2/3 से बड़ा चाहिए, 2/3 से बड़ा तो इंफिनिटी तक जा सकता है, एंड स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है तो 2/3 इंक्लूड नहीं होगा, है ना। इसको बेटा ऐसे भी कर सकते थे, आप देखिए ऐसे लिख देंगे -3x < -2। अब -3x < -2 है, मैं डिवाइड करूंगा दोनों साइड को -3 से बेटा, अगर नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ध्यान रख लीजिए इसको, इफ वी मल्टीप्लाई डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी बाय ए नेगेटिव वैल्यू द इनइक्वालिटी रिवर्सेस। तो बेटा इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, अपने आप को रिवर्स कर लेती है। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे -3 से डिवाइड कर दूंगा, -3 से डिवाइड करूंगा तो यहां पे राइट साइड में बनेगा -2/-3, और इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, लेस देन से हो जाएगी बेटा ग्रेटर देन। ये माइनस और माइनस कैंसल आउट हुआ, यहां से भी वही आ रहा है बेटा, एक्स ग्रेटर देन 2/3, यानी कि एक्स बिलोंग करता हुआ आ जाएगा 2/3 से इंफिनिटी, है ना। तो लीनियर इनइक्वालिटीज तो बेटा बहुत सिंपल होती हैं, आप x की टर्म्स को इधर रखिए, बाकी टर्म्स को उधर भेजते चलिए। बस ध्यान ये रखना, अगर नेगेटिव वैल्यू से दोनों साइड को डिवाइड करेंगे या दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनइक्वालिटी को क्या करना पड़ेगा, आपको रिवर्स करना पड़ेगा।
पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता। ठीक, चलिए अब आते हैं बेटा अपन बेसिक रैशनल इनइक्वालिटीज पे। और कैसी भी कोई भी रैशनल इनइक्वालिटी हो बेटा, उसके लिए मैं ये जो है जनरलाइज्ड मेथड बताने जा रहा हूं आपको। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज को ध्यान से आपको सुनना है यहाँ पे बेटा। आपके पास रैशनल इनइक्वालिटी कोई भी आती है तो इस फॉर्म की आती है, इस फॉर्म की आती है एफ एक्स अपॉन जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एफ एक्स यानी कि बेटा एक्स के टर्म्स में कोई एक्सप्रेशन होगा, है ना, नीचे डिनोमिनेटर में भी एक्स के टर्म्स में कोई एक्सप्रेशन होगा। अब उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कब होगा या लेस देन इक्वल टू जीरो कब होगा, है ना। इस तरीके से जैसे आपके पास ये लिखा गया सॉल्व, अब एक्स के टर्म्स में न्यूमरेटर में एक एक्सप्रेशन है, ऐसे ही एक्स के टर्म्स में डिनोमिनेटर में भी एक्सप्रेशन है, और अपने को चाहिए ये वैल्यू कैसी, लेस देन इक्वल टू जीरो। तो जब भी बेटा पहले अगर ये चीज समझ लीजिए, ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब है वी नीड टू फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। सॉल्व अगर कहीं पे लिखा हुआ आ जाता है बेटा, सॉल्व फॉर एक्स लिखा हुआ आ जाता है, और वो जो भी आपको इक्वेशन दे रखी हो, इनइक्वालिटी दे रखी हो, उसमें सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आप बेटा वो वेरिएबल जो है उसकी वो वैल्यूज निकालिए जो उसको सेटिस्फाई करते हुए आती है, अगर चाहे वो इक्वेशन है चाहे वो इनइक्वालिटी है। तो अगर मुझे ये दे रखा है एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे मुझे अब ऐसी एक्स की वैल्यूज चाहिए जिसके लिए पूरा एक्सप्रेशन कैसा हो जाए, लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाए। ठीक है, समझ गए बेटा कि आप रैशनल इनइक्वालिटी सॉल्व करने का मतलब कि मैं क्या देखना चाह रहा हूं, मैं ऐसी वैल्यूज ऑफ एक्स देखना चाह रहा हूं जिसके लिए पर्टिकुलर एक्सप्रेशन या तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बन रहा है या लेस देन इक्वल टू जीरो बन रहा है या ग्रेटर देन जीरो बन रहा है या लेस देन जीरो बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको इनइक्वालिटी मिलेगी। तो ऐसे सॉल्व करना, तो सबसे पहली चीज और सबसे बेसिक चीज होती है कि अपने को राइट हैंड साइड को एंश्योर करना है कि जीरो हो। अब इस एग्जांपल में अगर देखें तो अपने पास राइट हैंड साइड ऑलरेडी जीरो है, तो पहला स्टेप क्लियर है अपने पास, भाई पहला स्टेप क्लियर हो गया, उसको टिक कर दिया मैंने, ठीक है ना। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा है फैक्टराइज करिए न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को और कन्वर्ट करिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसको भी मैं पहले आपको बताता हूँ, पहले बता दो फैक्टराइज। अब बेटा देखिए यहां तो ये ऑलरेडी मुझे ऑलरेडी फैक्टर के टर्म्स में दे रखे ना, एक्स माइनस फोर की पावर फोर को, और क्या मैं x-4 ऐसे करके नहीं लिखूंगा, है ना, वो तो कॉमन टर्म्स है, उसकी पावर 4 करके भी लिख सकते हैं, इसके आगे इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। मान लीजिए अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ था x²-3x+2 (x+1)/(x²-5x+6), ऐसे कुछ लिखा हुआ था लेस देन जीरो, तो इस केस में मुझे फैक्टराइज करना पड़ता बेटा। इसका फैक्टर्स क्या बनता है, x-1 x-2, इसके फैक्टर्स बनते हैं x+1 अपॉन, इसके फैक्टर्स बनते बेटा x-2 x-3 लेस देन जीरो। तो ऐसे मैं फैक्टराइज करता बेटा इसको, ठीक है। अभी मेरे पास क्या, अभी ऑलरेडी मेरे पास फैक्टर टर्म में दे रखा है, तो फैक्टर करने की मुझे कोई जरूरत यहां पे नहीं पड़ी, फैक्टर ऑलरेडी मुझे करके दे रखे हैं, है ना। जहां पे नहीं दे रखे होंगे बेटा वहां पे आप फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर ऑलरेडी दे रखे हैं। एक और चीज लिखी हुई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब बेटा यहां पे बहुत ध्यान से समझिएगा, देखिए कोई भी एक फैक्टर अगर है, जैसे x माइनस फोर है, है ना, फैक्टर क्या है मेरे पास x माइनस फोर, वो जीरो कहां पे हो रहा है, फैक्टर जीरो हो रहा है कहां पे, फोर पे। अगर बेटा मैं फोर से बड़ी वैल्यू इसमें पुट करता हूं, फोर से बड़ी वैल्यू पुट करता हूं, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। और अगर फोर से छोटी वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे पास x माइनस फोर जो बनेगा वो कैसा बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो बेटा अगर कोई पर्टिकुलर फैक्टर, जैसे अपन ने फैक्टर्स कर लिए, तो फैक्टर जो है जीरो कहां पे हो रहा है, x-4 जीरो ना, फोर पे, तो फोर के राइट में वो पॉजिटिव बनना चाहिए और फोर के लेफ्ट में वो नेगेटिव बनना चाहिए। तो ये आपके पास होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर बेटा यहीं पर ऐसे लिखा होता, जैसे ऐसे लिखा होता x-5 की जगह लिखा होता 5-x, है ना, x-5 की जगह ऐसे लिखा होता 5-x। अब देखिए बेटा ये पर्टिकुलर वैल्यू जीरो कहां पे हो रही है, ये पर्टिकुलर वैल्यू जीरो हो रही है 5 पे। अब 5 से कोई बड़ी वैल्यू अगर मैं पुट कर रहा हूं बेटा, 5 से कोई बड़ी वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो ये वैल्यू, जैसे 6 पुट कर रहा हूं, तो ये वैल्यू नेगेटिव बन जा रही है।
और 5 से कोई छोटी वैल्यू पुट कर रहा हूं तो ये वैल्यू कैसी बन जा रही है बेटा, पॉजिटिव बन जा रही है। मेरे को राइट साइड में पॉजिटिव चाहिए होता है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव चाहिए होता है बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। आ गई बात समझ में, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है और क्या स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता। जहां पे वो पर्टिकुलर फैक्टर जीरो हो रहा है उसके राइट में वो पॉजिटिव बनना चाहिए और उसके लेफ्ट में वो नेगेटिव बनना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो पर्टिकुलर फैक्टर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। जनरली बेटा x माइनस ए, x प्लस ए और a प्लस एक्स अगर ऐसे लिखा हो तो ये सारी की सारी ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड फॉर्म ही होती है। अगर कहीं पे x माइनस ए लिखा हो या x प्लस ए या a प्लस एक्स लिख रखा हो ना, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती है। जैसे यहाँ पे x माइनस फोर, x माइनस फाइव, x माइनस सिक्स, x माइनस सेवन, तो सारे x माइनस ए के फॉर्म के, तो सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना। x का कोफिशियंट जहां नेगेटिव हो जाता है, जहां पे बेटा a माइनस एक्स टाइप का मिलता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती। तो बेटा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, माइनस वन कॉमन ले लीजिए, माइनस वन कॉमन लेके क्या बन जाएगा बेटा, वो एक्स माइनस ए बन जाएगा और फिर वो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो बन जाती है। तो देखेंगे उसको जैसे जैसे सवाल आएगा बेटा उसमें अपन इसको देखेंगे कि अगर कहीं पे अगर आपको नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म दिखेगी, ऑब्वियसली दिखेगी, सवाल करेंगे जिसमें नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म भी होगी और उसको फिर कैसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना सेकंड स्टेप क्लियर हो गया बेटा। अपने पास ये जो सारे फैक्टर्स भी हैं और सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हैं। तीसरा स्टेप होता है कि आप जो है सारे के सारे जीरोस एंड पोल्स निकालिए एक्सप्रेशन के। अब जो भी आपको ये एक्सप्रेशन दे रखा है ये सॉल्व करना है ना मुझे, इसके जीरोज और पोल्स निकालने बेटा। जीरोज और पोल्स निकालने का मतलब होता है जीरोज ऐसी वैल्यूज ऑफ एक्स होती है, जीरोज ऐसी वैल्यूज ऑफ एक्स होती है जिसके लिए न्यूमरेटर का टर्म जो है न्यूमरेटर जीरो हो जाए, और पोल्स ऐसी वैल्यूज होती हैं जिसके लिए डिनोमिनेटर जो है वो जीरो बन जाए। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे देखता हूं बेटा x माइनस फोर की पावर फोर, x माइनस फोर की पावर फोर इंटू x माइनस फाइव की पावर फाइव डिवाइडेड बाय x माइनस सिक्स की पावर सिक्स, x माइनस सेवन की पावर सेवन, ये मेरे को चाहिए बेटा लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो दो स्टेप मेरे ऑलरेडी क्लियर है, क्या स्टेप क्लियर है, राइट साइड में जीरो है और सारे टर्म फैक्टराइज्ड एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में। तीसरा स्टेप होता है जीरोस एंड पोल्स निकालना। जीरोस बेटा वो वैल्यूज ऑफ एक्स के हैं जिसके लिए न्यूमरेटर जीरो बन रहा होगा, तो जीरोस क्या क्या हो जाएंगे मेरे पास, जीरोस हो जाएंगे बेटा न्यूमरेटर किसके लिए, एक्स की किस वैल्यू के लिए जीरो बनेगा, एक तो फोर के लिए जीरो बनेगा और एक किस वैल्यू के लिए जीरो बनेगा, फाइव के लिए। तो जीरोस मेरे पास हो जाएंगे बेटा फोर एंड फाइव। पोल्स, पोल्स ऐसी वैल्यूज ऑफ एक्स होती हैं बेटा जिसके लिए डिनोमिनेटर जीरो बन रहा हो, और डिनोमिनेटर किस किस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए जीरो बन रहा है, सिक्स के लिए एंड सेवन के लिए। ठीक है, तो तीसरा स्टेप बेटा ये हुआ अपने पास कि आप जीरोस निकाल लीजिए और पोल्स निकाल लीजिए। जीरोस जिसके लिए न्यूमरेटर जीरो हो रहा हो, पोल्स वो वैल्यूज ऑफ एक्स जिसके लिए डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि एक वैल्यू ऑफ एक्स ऐसी मिल जाती है जिसके लिए न्यूमरेटर भी जीरो हो रहा है एंड डिनोमिनेटर भी जीरो हो रहा है। तो देखिए बेटा, अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए डिनोमिनेटर भी जीरो हो रहा हो एंड न्यूमरेटर भी जीरो हो रहा हो, उस वैल्यू को आप हमेशा ही पोल कंसीडर करते हैं बेटा। डिनोमिनेटर अगर जीरो हो जाता है तो एक्सप्रेशन अनडिफाइंड माना जाता है, उसकी वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करने लग जाती है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप कभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म्स को कैंसल आउट नहीं कर देंगे डायरेक्टली। ठीक है, आप पहले उसको मेंशन कर लोगे कि ये पोल है, उसके बाद आप कैंसल आउट कर सकते हैं। अगर कोई वैल्यू ऑफ एक्स के लिए न्यूमरेटर भी जीरो हो रहा है एज वेल एज डिनोमिनेटर भी जीरो हो रहा है, तो बेटा क्या करना है उसके लिए, उसको पोल कंसिडर करना है। ठीक है, आई बात समझ में, जीरो और पोल अगर कोई वैल्यू है इट विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज अ पोल। तो यहां तक बेटा अपने तीन स्टेप क्लियर हो गए। क्या क्लियर हो गए, अपन ने राइट साइड में जीरो बना लिया, अपन ने फैक्टर कर लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में रख लिया और जीरोज और पोल्स निकाल लिए। उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप होता है जितने भी जीरोज और पोल्स है उनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। तो नंबर लाइन पे रफली सबसे लेफ्ट में आएगा फोर, फिर फाइव, फिर सिक्स और फिर सेवन। जब बेटा अपन ऐसे नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं ना इन जीरोस और पोल्स को,
तो ये नंबर लाइन को कई टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, बेसिकली कई इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं। एक इंटरवल ये बनता है माइनस इंफिनिटी से 4 का, एक इंटरवल बनता है 4 से 5 का, एक इंटरवल बनता है 5 से 6 का, एक इंटरवल बनता है बेटा 6 से 7 एंड एक 7 से इंफिनिटी का। तो ऐसे 5 इंटरवल्स में जो है अपनी पूरी रियल नंबर लाइन जो है ब्रेक हो चुकी है ना, आपने जीरोस और होल्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। तो चौथा स्टेप भी आपका क्लियर हो गया। अब उसके बाद बेटा देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पोल्स को आप कभी भी अपने आंसर में इंक्लूड नहीं करते हैं। मैं अपनी आंसर निकालने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, वेबिकर मेथड से मैं अपना आंसर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, कौन कौन सी वैल्यूज ऑफ एक्स उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है, ये निकालने की मैं कोशिश अगर कर रहा हूं। तो जहां जहां पे बेटा डिनोमिनेटर जीरो होता है, जहां जहां पे पोल आपको मिलते हैं, वहां वहां पे एक्सप्रेशन डिफाइंड नहीं रहता, ठीक है। समथिंग अपॉन जीरो बेटा कभी भी डिफाइंड नहीं होगा, इस चीज को आप ध्यान रखिए। आगे फंक्शंस में जाके डोमेन, और जब आप डोमेन की बात करेंगे तो अगर कोई फंक्शन आपको वन अपॉन समथिंग टाइप का दे रखा होगा तो जो भी डिनोमिनेटर में है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, वरना एक्सप्रेशन डिफाइंड नहीं होता। तो पोल्स के लिए डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, पोल्स को बेटा हमेशा आप कैसे मार्क करेंगे, पोल्स को आप ओपन सर्कल से ही मार्क करेंगे। पोल्स को चाहे जो हालत हो हमेशा ओपन सर्कल से ही मार्क करना है। अब बात आती है जीरोस की बेटा, जीरोस को कैसे मार्क किया जाए। जीरोस को ओपन सर्कल से भी मार्क किया जाता है कभी कभी, एंड जीरोस को क्लोज्ड सर्कल से भी मार्क किया जाता है। अब देखिए बेटा, यहां इनइक्वालिटी अगर मैं देखूं तो एक्स को 4 पुट कर दूं, अगर x को 4 पुट कर रहा तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई, जीरो, जो कि इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती भी आ रही है। बेटा जीरो जो है बराबर होता है नहीं होता जीरो के, अपने को क्या चाहिए, या तो जीरो से छोटा मिल जाए या जीरो के बराबर मिल जाए। तो 4 पे मुझे ये किसके बराबर मिल रहा है, जीरो के बराबर मिल तो रहा है, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर आपके पास बेटा इनइक्वालिटी में ये इक्वल टू का साइन है, अगर इनइक्वालिटी में ये इक्वल टू का साइन है तो आप जीरोस को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि उस केस में बेटा जैसे यहां पे जीरो बना तो जीरो सेटिस्फाई कर रहा है इनइक्वालिटी को, 5 रखने पे जीरो बनेगा, जीरो भी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है बेटा। तो इस केस में बेटा आप इनको डार्क सर्कल या क्लोज्ड सर्कल से मार्क करते हैं। जब इनइक्वालिटी कैसी हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो या लेस देन इक्वल टू हो, तो जीरोस को आपको आंसर में इंक्लूड करना है। रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि वैल्यू क्या बनेगी, जीरो, और जीरो विल बी लेस देन इक्वल टू जीरो, बिल्कुल बेटा लेस देन तो नहीं होगा बट इक्वल तो हो ही जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए, या तो छोटा या तो बराबर, बराबर मिल रहा है तो भी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। अगर इनइक्वालिटी बेटा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन या स्ट्रिक्टली लेस देन होती है, अगर यहीं पे बेटा ये लेस देन इक्वल टू की जगह लेस देन जीरो होता तो मैं जीरोस को इंक्लूड नहीं करता, क्योंकि उस केस में मुझे वैल्यू क्या चाहिए, वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो चाहिए। तो अगर जीरो भी बनेगी तो मैं सेटिस्फाई करता हुआ नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे तो जीरो से छोटी चाहिए, जीरो के बराबर नहीं चाहिए। तो अगर इनइक्वालिटी स्ट्रिक्टली लेस देन होती या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होती है बेटा तो जीरोस को आप इंक्लूड नहीं करते, इस केस में मैं इंक्लूड कर लूंगा, ठीक है। तो यहां पे बेटा, यहां पे 5 स्टेप हो गए, ऑलमोस्ट अपन अपने आंसर तक पहुंचने वाले हैं। अपनी सारी इंटरवल्स पे अपन ने प्लॉट कर लिया है, इंटरवल्स को प्लॉट कर लिया, जीरोस और पोल्स को क्लोज से मार्क करना या ओपन से मार्क करना ये देख लिया, पोल्स को हमेशा ओपन से, जीरोस को इनइक्वालिटी पे डिपेंड करेगा। इनइक्वालिटी में अगर इक्वल टू का साइन है तो इंक्लूड करेंगे और क्लोज से मार्क करेंगे, और इनइक्वालिटी अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन या स्ट्रिक्टली लेस देन है तो ओपन से मार्क करेंगे, ठीक है। यहां तक देखते हैं अगला स्टेप। अगला स्टेप है बेटा, अब जब अपने पास ऐसा सा कुछ बन गया है ना, ये 4, 5, 6 और 7 ये नंबर लाइन अपनी थी, और यहां पे बेटा 4 और 5 को तो मैंने इंक्लूड करना है और 6 और 7 को इंक्लूड नहीं करना था, ये पोल्स थे। देखिए क्या कहता है, सबसे राइट मोस्ट इंटरवल पे जाइए। सबसे राइट मोस्ट इंटरवल बेटा कौन सा है अपने पास, सबसे राइट मोस्ट इंटरवल है 7 से इंफिनिटी वाला। सबसे राइट मोस्ट इंटरवल पे जाओ और उसको कौन सा साइन दे दो, प्लस का साइन दे दो बेटा, और लेफ्ट मूव करना स्टार्ट करिए। सबसे राइट वाले इंटरवल पे जाएंगे, उसको कैसा साइन दे देंगे, प्लस का साइन दे देंगे और लेफ्ट मूव करना स्टार्ट करेंगे। जब बेटा मैं लेफ्ट मूव करना स्टार्ट करूंगा, मैं किससे टकराऊंगा, मैं 7 से टकराऊंगा, ठीक है। तो अगर बेटा 7 से टकराया तो उसका जो फैक्टर है उसकी ऑड पावर अगर है तो साइन बदल दिया जाएगा, और अगर उसकी इवन पावर है तो साइन नहीं बदला जाएगा। मेरे पास था x-4 की पावर 4, x-5 की पावर 5,
डिवाइडेड बाय x माइनस 6 की पावर 6, x माइनस 7 की पावर 7 लेस देन इक्वल टू 0। ये सॉल्व करना था। मैंने सबसे राइट मोस्ट इंटरवल को कैसा साइन दे दिया बेटा, प्लस साइन दे दिया। प्लस साइन देके मैंने लेफ्ट मूव करना स्टार्ट किया, लेफ्ट मूव करना स्टार्ट किया, मैं किससे टकराया, 7 से। अगर बेटा 7 वाले फैक्टर की पावर ऑड है तो साइन चेंज कर देंगे, और अगर 7 वाले फैक्टर की पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं करेंगे। देखिए 7 वाले फैक्टर की पावर देखी मैंने कैसी है, ऑड, 7 से टकराया तो किससे देख किसकी पावर देखेंगे, 7 वाले फैक्टर की पावर। 7 वाले फैक्टर की पावर कैसी, ऑड, ऑड है तो साइन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ऑड है तो साइन पलट गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है देखिए, अगर मैं x को 7 से बड़ा कुछ भी रख रहा हूं बेटा, x को 7 से बड़ा कुछ भी रख रहा हूं, ये पॉजिटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, ये भी पॉजिटिव बनेगा, तो सारे के सारे पॉजिटिव बनेंगे, और सब पॉजिटिव का प्रोडक्ट भी कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो इसलिए मैंने लिख दिया कि 7 से बड़े बड़े पे सारा का सारा क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अब जैसे ही मैं 6 से 7 के बीच में x को ले रहा हूं, x को किसके किसके बीच में, 7 पे, 7 से टकराया था ना, तो अब मैं किसके किसके बीच में ले रहा हूं, 6 से 7 के बीच में x को ले रहा हूं। जब बेटा 6 से 7 के बीच में x है तो ये पॉजिटिव बनेगा, ये वाला x माइनस 5 वाला भी पॉजिटिव बनेगा, ये वाला भी पॉजिटिव बनेगा, बट x माइनस 7 कैसा हो जाएगा, x माइनस 7 नेगेटिव हो जाएगा। अब अगर नेगेटिव की पावर ऑड है तो वो नेगेटिव ही रहता है, और अगर नेगेटिव की पावर इवन है तो वो पॉजिटिव बन जाता, बट यहां पे नेगेटिव की पावर क्या है, ऑड, नेगेटिव की पावर ऑड है तो ये नेगेटिव ही रहा, एक नेगेटिव रहा, बाकी सारे पॉजिटिव रहे, तो टोटल मेरे पास कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बिल्कुल नेगेटिव आ जाएगा। अब और लेफ्ट मूव करते हैं, और लेफ्ट मूव किए तो किससे टकराए, 6 से टकराए, 6 वाले फैक्टर की पावर देखेंगे, 6 वाले फैक्टर की पावर बेटा कैसी है, इवन है। अगर पावर इवन है तो साइन जो है वो वही का वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, यानी माइनस है तो माइनस ही रहेगा और प्लस है तो प्लस ही रहेगा। तो अब 6 वाले फैक्टर की पावर इवन थी, साइन चेंज नहीं हुआ, ये माइनस का माइनस ही रहा। अब साइन चेंज क्यों नहीं हुआ बेटा, देखिए जब मैं x को 5 से 6 के बीच का कुछ रख रहा हूं, किसके किसके बीच का, 5 से 6 के बीच के कुछ भी रख लो, है ना, 5 से 6 के बीच में ये वैल्यू पॉजिटिव बनेगी x माइनस 4, x माइनस 5 भी पॉजिटिव बनेगा, x माइनस 7 तो नेगेटिव बनेगा बेटा। अब ये x माइनस 6 भी कैसा बनेगा, नेगेटिव, x माइनस 6 नेगेटिव बनेगा, उसकी वजह से साइन चेंज होता, उसकी वजह से क्या होता, साइन चेंज होता, बट उसकी टोटल पावर कैसी है, टोटल पावर तो बेटा इवन है, और नेगेटिव की अगर इवन पावर कर देता हूं, जैसे माइनस 1 की पावर 6 कर देता हूं तो वो 1 ही बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है बेटा। तो इसकी वजह से जो नेगेटिव आ रहा होता वो पावर इवन ने क्या कर दिया, उसको वापस से पॉजिटिव बना दिया, यानी अगर वो साइन चेंज कर रहा होता तो अब साइन चेंज नहीं कर पाएगा पावर की वजह से, तो इसलिए बेटा इस पे साइन चेंज नहीं होता है। ऑड पावर होती है तो साइन चेंज हो जाता है, और इवन पावर होती है तो साइन चेंज नहीं होता। फिर बेटा और लेफ्ट चले, और लेफ्ट चले तो किससे टकराए, 5 से, 5 वाले की पावर कैसी है, 5 वाले की पावर ऑड है, और अगर बेटा पावर ऑड होती है तो साइन क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, वापस से प्लस का साइन आ जाएगा। अब बेटा वापस से और लेफ्ट चले तो किससे टकराए, 4 से टकराए, 4 से टकराए तो 4 वाले की पावर देखी, 4 वाले की पावर कैसी है, 4 वाले की पावर इवन है, 4 वाले की पावर इवन है तो बेटा साइन चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसकी वजह से जो माइनस आता उसको पावर क्या बना देगी, प्लस बना देगी, साइन चेंज नहीं होगा, साइन वही का वही रहेगा, प्लस का प्लस ही रहेगा। तो यहां तक बस अपना सारा काम था साइन देने तक का। यही साइन डिनोट करता है बेटा, क्या ये साइन डिनोट करता है कि ये एक्सप्रेशन जहां पे प्लस है वहां पे पॉजिटिव रहेगा, जहां पे माइनस है वहां पे नेगेटिव रहेगा, जहां पे ओपन है वहां पे डिफाइंड नहीं होगा, और जहां पे क्लोज्ड है वहां पे क्या रहेगा, जीरो रहेगा। आगे बात समझ में, ये जो अपन ने इस तरीके से साइन दिए अलग अलग इंटरवल्स में जा जाके, कैसे दिया, सबसे राइट वाले को प्लस दिया, लेफ्ट मूव करना स्टार्ट किया, जिससे टकराते गए उसके फैक्टर की पावर देखते गए, उसके फैक्टर की पावर अगर ऑड है तो साइन चेंज कर देंगे, प्लस का माइनस कर देंगे, माइनस का प्लस कर देंगे, और अगर उसके फैक्टर की पावर इवन है तो साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस का प्लस ही रहेगा बेटा, और माइनस का क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। तो इस तरीके से अपन ने साइन दे दी, वही साइन डिनोट करते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन का, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव। जहां जहां पे प्लस का साइन है
वहां वहां पे पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव रहता है। जहां जहां पे माइनस का साइन है वहां वहां पे पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव रहता है। जहां जहां पे क्लोज है बेटा, क्लोज जैसे 4 और 5 जीरोस को मैंने क्लोज से मार्क किया तो वहां वहां पे वैल्यू 0 होगी, और अगर ओपन से मार्क किया तो वहां वहां पे वैल्यू डिफाइन नहीं है। पोल्स पे वैल्यू डिफाइंड नहीं है इस बार, जीरोस को क्लोज से मार्क किया है तो क्योंकि जीरो वैल्यू हो सकती है तो उसको मुझे आंसर में इंक्लूड करना है। अब फाइनली बस मुझे आंसर लिखना है, राइट ऑल द इंटरवल सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी डिपेंडिंग अपॉन द साइन गिवन टू द इंटरवल्स। अब देखिए मुझे इनइक्वालिटी में कैसा चाहिए, मुझे इनइक्वालिटी में ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव नहीं बेसिकली लेस देन और इक्वल टू जीरो चाहिए। तो जहां जहां पे मुझे ये नेगेटिव या जीरो मिल रहा है वो मेरा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, मुझे कैसा चाहिए, या तो नेगेटिव या तो जीरो। तो हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया, लेफ्ट पे सबसे पहले जीरो मुझे कहां मिला, सबसे पहले जीरो मुझे मिला 4 पे, और 4 के बाद मेरे को कोई जीरो लेस देन जीरो नहीं मिला। तो 4 को बेटा अलग से आप रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि 4 भी तो सेटिस्फाई कर रहा है ना इनइक्वालिटी को। 4 से पहले पॉजिटिव हो गया, 4 के बाद पॉजिटिव हो गया, बट 4 पे तो जीरो है, 4 तो सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद बेटा अपन आगे चले, अपने को 5 से लेके 7 तक पूरे के पूरे इलाके में नेगेटिव मिला। 5 से लेके 7 तक पूरे के पूरे इलाके में नेगेटिव मिला और मुझे नेगेटिव चाहिए। बट ध्यान ये रखिएगा, बीच में 6 पे क्या है, ओपन सर्कल है, 6 पे एक्सप्रेशन डिफाइंड नहीं होगा, 6 पोल है। तो बेटा 6 को आप क्या कर देंगे, अपने सॉल्यूशन से बाहर कर देंगे, ठीक है। और अगर इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहते हैं आप ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 5 से लेके 6 यूनियन 6 से लेके 7 यूनियन 4। इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या आप इस तरह से भी लिखना चाहें इस तरह से भी लिख सकते हैं इनइक्वालिटी को। अब मेरे को क्या करना है, फाइनल आंसर देना है। फाइनल आंसर किस पे डिपेंड करेगा, जो मैंने साइन दिए हैं। मेरे को कैसा चाहिए था, लेस देन और इक्वल टू जीरो, लेस देन और इक्वल टू जीरो यानी कि जीरो हो जाए या नेगेटिव हो जाए। तो जहां जहां पे जीरो या नेगेटिव हो रहा है वो मेरा आंसर हो जाएगा। बेटा ये जरूर ध्यान रखना, देखो यहां से यहां तक पूरा नेगेटिव है बट 6 पे क्या है, ओपन है। 6 को फिर आपको आंसर से क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा अगर पूरा लिख रहे हो तो, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए 5 से 6, 6 से 7। तो ये बस बेसिक स्टेप्स अगर आप फॉलो करते चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो देखते हैं आगे। अच्छा, आगे और बढ़ने से पहले एक चीज और बता दूं बेटा आपको, यही कि कभी भी आप किसी भी फैक्टर या टर्म को क्या नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। कभी भी किसी को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जैसे कि भाई मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है 2x-3 × x + 1 अपॉन x² + 1 अपौन इंटू x + 5 > or = 0। तो बेटा देखो मैं सीधा उठा के x + 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे नहीं बोल सकता कि ये जीरो हो गया। क्यों नहीं कर सकते क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे पता नहीं है बेटा x + 5 पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर वो नेगेटिव है, क्योंकि उसकी वैल्यू तो किस पे डिपेंड कर रही है, x पे, x पे डिपेंड कर रही है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, x की वैल्यू अगर -5 से छोटी हो जाए तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और x की वैल्यू -5 से बड़ी होगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसके साइन के बारे में मैं गारंटी नहीं ले सकता ना। तो जब तक मेरे को साइन पक्का नहीं पता हो कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तब तक मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। बट इसी के अगर बगल का टर्म देखूं, 1 + x² तो बेटा कैसा रहेगा, ऑलवेज x की कोई भी वैल्यू डाल लू ये ऑलवेज कैसा रहेगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। और अगर कोई क्वांटिटी बेटा ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसको आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा देख लो, x को चाहे नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो, चाहे कितना ही बड़ा रखो चाहे कितना ही छोटा रखो, x² तो ऑलवेज पॉजिटिव ही बनेगा। और उसमें 1 जोड़ूंगा, x² हमेशा 0 या 0 से बड़ा बनेगा, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो बेटा वैल्यू मेरे पास हमेशा 1 या 1 से बड़ी आएगी, तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड ये चीज बेटा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर किसी नेगेटिव वैल्यू से मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड को, फॉर एग्जाम्पल बेटा मेरे पास ये लिखा हुआ है 3 - x × x + 2 अपॉन x - 1 × x - 7 की पावर 4, इधर 2 कर दिया बेटा, इधर 5 कर दिया, चलो इसको 3 कर दिया, लेस देन इक्वल टू 0 ये मिला हुआ है मुझे सॉल्व करने के लिए। तो बेटा देखो यहां पे दिक्कत ये है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म में, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है।
तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू का होल क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन की पावर फाइव इंटू एक्स माइनस सेवन की पावर फोर लेस देन इक्वल टू जीरो, ऐसे लिखेंगे। एक्सक्यूज ठीक है। अब बेटा ये माइनस जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, इस माइनस को यहां से हटाना पड़ेगा, इस माइनस को हटाना पड़ेगा, तो दोनों साइड को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस वन से। और बेटा अगर मैं किसी भी क्वांटिटी को क्रॉस मल्टी नेगेटिव क्वांटिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई या इनइक्वालिटी को दोनों साइड माइनस वन से मल्टीप्लाई करता हूं, तो बेसिकली यहां पे मेरे को वन को क्रॉस माइनस वन को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना बेटा, तो इनइक्वालिटी क्या करनी पड़ेगी, रिवर्स करनी पड़ेगी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू का होल क्यूब अपॉन एक्स माइनस वन की पावर फाइव इंटू एक्स माइनस सेवन की पावर फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था और हमने क्या कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हैं आप। देखो बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन एक बार, है ना। इसके बाद क्या करना होता है, फैक्टर कर लिया अपन ने, राइट साइड जीरो है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। निकालेंगे जीरोस एंड पोल्स, तो इसके लिए जीरोस की बात करें तो बेटा जीरोस क्या क्या हो जाएंगे, न्यूमरेटर जीरो कहां कहां पे हो रहा है, माइनस टू पे जीरो हो रहा है और थ्री पे हो रहा है। और पोल्स क्या क्या हो जाएंगे, पोल्स हो जाएंगे बेटा डिनोमिनेटर कहां कहां पे जीरो हो रहा है, वन पे और सेवन पे। तो जीरोस निकाल लिए और पोल्स निकाल लिए। जीरोस और पोल्स निकालने के बाद बेटा क्या करते हैं, उनको नंबर लाइन पे मार्क कर लेते हैं। नंबर लाइन पे मार्क कर लिया भाई, सबसे लेफ्ट में माइनस टू, फिर वन और फिर थ्री और फिर सेवन। तो अपनी नंबर लाइन अब अलग अलग इंटरवल्स में ब्रेक हो गई है। बेटा पोल्स को कभी भी आंसर में इंक्लूड नहीं करते, तो वन और सेवन को हम पोल्स को कैसे मार्क करेंगे, ओपन सर्कल से मार्क करेंगे पोल्स को। अब इनइक्वालिटी कैसी है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू अगर आ रहा है तो जीरो हो सकती है वैल्यू, तो जीरोस को बेटा इंक्लूड कर लूंगा। जीरोस को इंक्लूड करेंगे तो थ्री और माइनस टू को कैसे मार्क करेंगे अपन, क्लोज्ड सर्कल से मार्क करेंगे, है ना बेटा। अगर मैं थ्री रख रहा हूं एक्स की वैल्यू, यहां पे थ्री रख रहा हूं, तो थ्री माइनस थ्री जीरो, और जीरो जीरो के बराबर तो होता ही है, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, स्टिल सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहां तक मार्क कर लिया, क्या करते हैं उसके बाद, राइट मोस्ट इंटरवल को कौन सा साइन दे देना है, राइट मोस्ट इंटरवल को दे देना है बेटा प्लस साइन, और लेफ्ट मूव करना स्टार्ट करिए। लेफ्ट मूव करना स्टार्ट करिए, किससे टकराए, सेवन से, सेवन से टकराए। तो देखा सेवन वाले फैक्टर की पावर क्या है, सेवन वाले फैक्टर की पावर है बेटा चार। सेवन वाले फैक्टर की पावर अगर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन स्टिल कैसा आएगा, प्लस का ही आएगा। फिर बेटा और लेफ्ट मूव किए, किससे टकराए, थ्री से टकराए, थ्री से टकराए तो थ्री वाले फैक्टर की पावर देखेंगे, थ्री वाले फैक्टर की पावर कैसी है, ऑड। थ्री वाले फैक्टर की पावर अगर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, पावर ऑड है, साइन चेंज हो गया, साइन हो गया बेटा प्लस से माइनस। फिर और लेफ्ट चले, किससे टकराए, वन से टकराए, वन वाले फैक्टर की पावर भी बेटा ऑड है, वन वाले फैक्टर की पावर अगर ऑड है तो साइन वापस से बदल जाएगा, साइन वापस से बदल के क्या हो गया बेटा, साइन वापस से बदल के प्लस का हो गया। फिर और लेफ्ट मूव किए तो किससे टकराए अपन, माइनस टू से टकराए, माइनस टू वाला फैक्टर जो है वो ये है एक्स प्लस टू, और इसकी पावर अगेन ऑड है, थ्री है पावर, पावर ऑड है तो वापस से साइन चेंज हो जाएगा और साइन बेटा अब हो जाएगा कैसा, माइनस का। अब मुझे अगर इस इनइक्वालिटी का आंसर लिखना है तो मैंने हर इंटरवल को साइन तो दे दिए, तो बेटा मुझे कैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये और ये सेम चीज है बेटा, फाइनल से आप देखेंगे कि कैसा चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसके लिए सॉल्व करिए बस। तो ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए तो मैं देख लूंगा कहां कहां पे प्लस बन रहा है और कहां कहां पे इंक्लूड करना है मुझे। तो बेटा एक्स बिलोंग करता हुआ आ जाएगा टू, माइनस टू से लेके वन, माइनस टू से लेके वन में प्लस है, माइनस टू क्लोज्ड है तो माइनस टू को इंक्लूड करेंगे, वन ओपन है तो वन को इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद बेटा कहां से कहां तक, अगर थ्री से इंफिनिटी तक देखे तो प्लस ही प्लस दिख रहा है, तो लिख देंगे बेटा थ्री से इंफिनिटी। बट याद रखिएगा बेटा यहां सेवन पे जो है पोल आ जाता है तो सेवन को आपको रिमूव करना पड़ेगा, तो माइनस आप सेवन करके इसको लिख सकते हैं। तो ये इस इनइक्वालिटी का आंसर हो जाएगा। यहां पे बताने की क्या चीज थी बेटा, सॉरी, ये इस इनइक्वालिटी का आंसर हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया अपन ने और फिर उसको सॉल्व करके लिख दिया। अगर कोई वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसको आप क्या कर सकते हो,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। अब अपने पास सवाल आया भाई, क्या सवाल आया, x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव आपको चाहिए ग्रेटर देन जीरो। तो ये तो सर आपने सिंपल सीधी सीधी एक लाइन दे दी, यहां पे तो डिनोमिनेटर में कुछ दिया ही नहीं, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया तो क्या हो गया, वन है, है ना बेटा, है तो फिर भी रेशनल इनइक्वालिटी ना, डिनोमिनेटर में x में टर्म्स में एक्सप्रेशन नहीं है बट वन तो मान ही सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है बेटा, अगला स्टेप फैक्टराइज करना है। सर फैक्टराइज ऑलरेडी है, फैक्टराइज ऑलरेडी है, फिर अगला स्टेप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है बेटा, x माइनस ए टाइप का जो फॉर्म होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। उसके बाद बेटा निकालते हैं जीरोस एंड पोल्स, और जीरोस मेरे पास है थ्री और फाइव, और पोल्स तो बेटा कोई है ही नहीं ना, डिनोमिनेटर में कोई टर्म ही नहीं है मेरे पास, तो पोल मेरे को मिलेगा ही नहीं, तो ओनली एंड ओनली क्या मिलेंगे, जीरोस मिलेंगे। क्या जीरोस को इंक्लूड करना है मुझे, तो इनइक्वालिटी कैसी है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। जब भी इनइक्वालिटी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होती है बेटा, जीरोस को आप इंक्लूड नहीं करते, इंक्लूड नहीं करते तो कैसा सर्कल, ओपन सर्कल से मार्क कर देंगे। स्टार्ट किया राइट मोस्ट इंटरवल से, राइट मोस्ट इंटरवल को दे दिया प्लस साइन, बेटा लेफ्ट मूव करना स्टार्ट किया, पावर एक्स माइनस फाइव वाले फैक्टर की कैसी है, ऑड, पावर ऑड है तो साइन बदल जाएगा। फिर बेटा और लेफ्ट मूव चले, किससे टकराए, थ्री से, थ्री वाले फैक्टर की पावर कितनी है, वन, वन क्या है, ऑड, पावर अगर ऑड है तो वापिस से साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो आ जाएगा प्लस का साइन। अब बेटा मुझे कैसा चाहिए, मुझे चाहिए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहां कहां पे मिल रहा है मुझे भाई, पॉजिटिव मिल रहा है मुझे माइनस इंफिनिटी से थ्री में और फाइव से इंफिनिटी में। तो ये आपके पास बेटा इसका आंसर हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से थ्री यूनियन फाइव से इंफिनिटी, ऑप्शन ए जो है सही आएगा बेटा। ऑप्शन ए और सी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सी में देखिए इंक्लूड कर रखा है बट इनइक्वालिटी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है तो जीरोस को इंक्लूड नहीं करूंगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो मैं इनइक्वालिटी में जीरोस को इंक्लूड कर लेता। ठीक है, मूविंग अहेड बेटा, अगर मेरे को इस टाइप का कोई भी इनइक्वालिटी आ जाती है, एक्स माइनस अल्फा, जैसे अभी क्वाड्रेटिक टाइप है, अभी जैसे अपन ने देखी थी दो टर्म्स वाली, कि कहीं पे बेटा मेरे को दे दिया जाए x माइनस अल्फा x माइनस बीटा ग्रेटर देन जीरो चाहिए तो क्या लिखूंगा, तो इसके लिए बेटा सारी एक ही टाइप की है ना, क्या है सभी x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, तो सभी में राइट साइड में ऑलरेडी जीरो है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, पोल है नहीं, जीरोज है, और जीरोज क्या क्या है, अल्फा और बीटा, जीरोज बेटा अल्फा और बीटा है। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन द इनइक्वालिटी मैं अल्फा और बीटा को क्या करूंगा, इंक्लूड करूंगा या नहीं करूंगा, इनइक्वालिटी पे डिपेंड कर रहा है, बट मुझे पता अल्फा पे वैल्यू जीरो हो रही है और बीटा पे भी वैल्यू जीरो हो रही है। बेटा बीटा के राइट साइड में सबसे कैसा साइन देते हैं अपन, प्लस साइन देंगे और लेफ्ट मूव करना स्टार्ट करेंगे, टकराएंगे किस वाले फैक्टर से, एक्स माइनस बीटा वाले फैक्टर से, एक्स माइनस बीटा वाले फैक्टर से टकराएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि उसकी पावर कितनी है, ऑड, वन है ना पावर। फिर और लेफ्ट मूव किया, किससे टकराए, अल्फा वाले फैक्टर से, अल्फा वाले फैक्टर की पावर भी ऑड है, वापिस से क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये जितनी आगे सारी इनइक्वालिटीज है इस फॉर्म की, आप इसको डायरेक्ट रिजल्ट में याद रख सकते हैं, फटाफट फटाफट ऐसे आता ना तो फटाक से आंसर देना आना चाहिए अपने को, है ना। जैसे कि भाई ये आ गया अपने पास, अगर मुझे चाहिए ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो चाहिए तो प्लस प्लस वाले देख लेंगे, कहां से कहां तक मिल रहा है बेटा ग्रेटर देन जीरो, माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक और बीटा से इन्फिनिटी तक। अगर बेटा मुझे चाहिए लेस देन जीरो यानी नेगेटिव, और नेगेटिव कहां से कहां तक मिल रहा है, अल्फा से बीटा तक। अगर मुझे ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए, अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए तो एक्स को कहां से कहां तक रखना पड़ेगा बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू में अल्फा और बीटा की बार क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे क्योंकि अल्फा और बीटा पे जीरो हो रही है वैल्यू, तो माइनस इंफिनिटी से अल्फा में प्लस साइन है, ग्रेटर देन जीरो और अल्फा पे जीरो तो अल्फा को भी इंक्लूड कर लेंगे, बीटा पे जीरो और बीटा के आगे प्लस साइन है तो बीटा से इंफिनिटी इंक्लूडिंग बीटा, एंड अगर लेस देन इक्वल टू चाहिए तो बेटा अल्फा और बीटा को इंक्लूड करके अल्फा से बीटा के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो नेगेटिव देंगे और अल्फा और बीटा जीरो देंगे, तो अगर लेस देन इक्वल टू जीरो चाहिए तो एक्स कहां से कहां तक बिलोंग करना चाहिए, अल्फा से बीटा तक। देखिए फटाक फटाक से एक दो एग्जाम्पल अगर मैं बता दूं आपको, सॉल्व फॉर एक्स, आपको बताना है कि भाई एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज इनको सेटिस्फाई करते हुए आ रही है। जैसे भाई लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू लेस देन इक्वल टू जीरो, दूसरा लिख दिया भाई मैंने एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स
प्लस सिक्स ग्रेटर देन जीरो। तो फटाक फटाक से सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करना है बेटा, तुरंत फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर क्या है बेटा इसके, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, कैसा चाहिए, लेस देन इक्वल टू जीरो। x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, लेस देन इक्वल टू जीरो चाहिए। तो बेटा x कहां से कहां तक बिलोंग करता हुआ आ जाता है, अल्फा से बीटा तक। ये सीधा सीधा रिजल्ट यूज कर सकते हैं आप डायरेक्ट, कोई दिमाग में लगाने की जरूरत ही नहीं है, याद रहने चाहिए। और इनका एक्सप्लेनेशन ये है बेटा, सीधा सीधा बेबी कर्व से हमेशा ही यही रिजल्ट आने वाला है। सेकंड वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स ग्रेटर देन जीरो चाहिए। तो पहला काम क्या होगा बेटा, राइट साइड जीरो है, फैक्टर्स कर लिए। फैक्टर्स क्या क्या बन गए, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस सिक्स, कैसा चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। डायरेक्ट रिजल्ट है बेटा, ग्रेटर देन जीरो कहां से कहां तक मिलता है अपने को, ग्रेटर देन जीरो मिलता है माइनस इंफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी। तो बेटा ये एक्स की वैल्यूज के लिए मुझे ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव मिल जाएगा। आ गई या नहीं आई बात समझ में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बेटा, आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। ये डायरेक्ट रिजल्ट है, तुरंत तुरंत इन चीजों में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग ऑन अहेड बेटा, ये सवाल है अपने पास, इसको सॉल्व करना है। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर लेस देन इक्वल टू जीरो चाहिए। तो पॉज करके एक बार आप लोग ट्राई करिएगा, उसके बाद ही सॉल्यूशन पे बढ़िएगा, ठीक है। तो देखा अपन ने बेटा, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर लेस देन इक्वल टू जीरो चाहिए। वो अपने पास x माइनस अल्फा x माइनस बीटा के फॉर्म का नहीं है बेटा, है ना, बट डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती बेटा। डिनोमिनेटर में कुछ हो चाहे ना हो, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। पहला स्टेप होता है राइट साइड में जीरो एंश्योर करना, तो राइट साइड बेटा मेरे पास क्या है, जीरो है। दूसरा स्टेप होता है जहां जहां फैक्टर्स पॉसिबल हो सकते हैं आपको फैक्टर्स कर देने हैं। तो ये तो ऑलरेडी बेटा एक्स को मैं और फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकता, बट इसको तो फैक्टराइज किया जा सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस फोर को लिखा जा सकता है बेटा क्या, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, एंड आपको चाहिए बेटा ये कैसा, लेस देन और इक्वल टू जीरो। बन गया ये अपने पास उस फॉर्म में बेटा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वन मान लेते हैं ना, उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये सर पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म तो है ही नहीं, या एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म तो है नहीं बेटा, है ना, जी एक्स अपने पास में ना, डिनोमिनेटर वन है। उसके बाद करते हैं बेटा जीरोज और पोल्स की बात। तो जीरोज क्या क्या आ गए अपने पास, जीरोज आ गए एक्स इज इक्वल टू जीरो, टू और माइनस टू, ये जीरोज आ गए। और पोल्स आपके पास आएंगे नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं है। उसके बाद क्या करना है बेटा, इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे, सबसे लेफ्ट में माइनस टू, फिर जीरो और फिर टू। नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया बेटा, जीरोस को इंक्लूड करोगे या नहीं करोगे, तो इनइक्वालिटी में देखा इक्वल टू का साइन है, अगर इनइक्वालिटी में इक्वल टू का साइन है तो जीरोस को इंक्लूड करना है, तो माइनस टू भी इंक्लूड हो जाएगा, जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा और टू भी इंक्लूड हो जाएगा। अब क्या करना है बेटा, सबसे राइट मोस्ट इंटरवेल में जाइए और कौन सा साइन दे दीजिए, प्लस का साइन दे दीजिए सबसे राइट मोस्ट इंटरवेल को, और लेफ्ट मूव करना स्टार्ट करिए। बेटा देखो, एक यहां से मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं, अगर सारे फैक्टर्स की पावर ऑड है, अगर सारे फैक्टर्स की पावर ऑड है तो साइन अल्टरनेटिवली चेंज होता चला जाएगा। इफ पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स इज ऑड, साइन चेंजेस अल्टरनेटिवली। तो बेटा साइन सीधा सीधा चेंज करते चले जाएंगे, दिमाग ज्यादा लगाएंगे नहीं। देख लीजिए आप, पावर ऑड है, टू से टकराए, पावर ऑड है, पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा, फिर लेफ्ट मूव करे, फिर जीरो से टकराए, जीरो से टकराए तो जीरो की पावर फिर से ऑड है तो फिर से साइन चेंज होगा, फिर और लेफ्ट गए तो माइनस टू से टकराए, माइनस टू वाले फैक्टर की पावर भी ऑड है तो वापिस से साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर बेटा सभी टर्म्स की पावर ऑड होती है तो आप राइट मोस्ट को प्लस साइन दो, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, अल्टरनेटिवली ऐसे चल सकता है, क्योंकि हर एक की पावर ऑड है तो हर पे ही साइन चेंज जो है वो होता चला जाएगा। अब मुझे चाहिए था बेटा लेस देन और इक्वल टू जीरो, लेस देन और इक्वल टू जीरो में कौन सा, नेगेटिव वाला। तो बेटा यहां पे अपन लिख सकते हैं x कहां से कहां तक बिलोंग करना चाहिए, माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस टू, और माइनस टू को करेंगे अब की बार इंक्लूड, और आगे बेटा जीरो या जीरो से छोटा कब मिल रहा है, तो जीरो से लेके
टू में, तो x आपका बिलोंग करता हुआ आ जाएगा बेटा माइनस इंफिनिटी से माइनस टू यूनियन जीरो टू टू, दैट इज बी ऑप्शन बेटा इसका जो है करेक्ट आंसर आपके लिए हो जाएगा। आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज को फॉलो करते चलिए, कोई किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे देखते हैं बेटा एक और क्वेश्चन है बेटा, जैसे ये अपने पास 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो पॉज करके सॉल्व करिए और फिर सॉल्यूशन देखिएगा। तो बेटा देखो, सबसे पहले तो अपन ने देखा राइट साइड में जीरो है, राइट साइड में जीरो है, फैक्टर ऑलरेडी किए हुए हैं, फैक्टर ऑलरेडी किए हुए हैं, क्या सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो बेटा एक्स माइनस ए की फॉर्म तो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताई थी, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो सबसे पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसमें से क्या करेंगे माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेके बेटा उसको लिख लेंगे एक्स माइनस टू, और एक्स माइनस फाइव तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको ऐसे रहने दिया एंड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब बेटा यहां पे इस माइनस वन से मेरे को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो इनइक्वालिटी को क्या करना पड़ेगा अपने को, चेंज करना पड़ेगा, माइनस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, माइनस वन इंटू जीरो हो जाएगा जीरो, इनइक्वालिटी हो जाएगी चेंज, अब बच जाएगा एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस फाइव लेस देन इक्वल टू जीरो। अब बेटा उस रिजल्ट को याद करिए, अगर कहीं पे मुझे एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू जीरो चाहिए होता है, तो एक्स कहां से कहां तक बिलोंग करता हुआ आ जाता है, अल्फा से बीटा तक बिलोंग करता हुआ आ जाता है। तो यहां से बेटा मैं सीधा एक्स को कहां से कहां तक बिलोंग करता हुआ लिख सकता हूं, टू से फाइव तक, ठीक है। और अगर आपको ये रिजल्ट याद ना हो, अगर ये रिजल्ट याद ना हो तो क्या करिए, नंबर लाइन बनाइए, जीरोस और पोल्स को प्लॉट कर लीजिए। जीरोस क्या क्या है बेटा, एक टू है जीरो मेरे पास और एक फाइव है जीरो मेरे पास, पोल मेरे पास इस क्वेश्चन में है ही नहीं, पोल नहीं है। क्या जीरोस को इंक्लूड करना है, बिल्कुल करना है जी, क्यों, क्योंकि इक्वालिटी में इक्वल टू का साइन है, तो जीरोस को मैं इंक्लूड कर लूंगा, इनको इंक्लूड करना है। सबसे राइट मोस्ट में प्लस साइन दिया, पावर बेटा ऑड ऑड है तो अल्टरनेटिवली साइन चेंज हो जाएगा, मुझे चाहिए लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो लेस देन और इक्वल टू जीरो कहां से कहां तक मिल रहा है, टू से लेके फाइव में, और टू और फाइव दोनों को इंक्लूड रखना है। तो या तो बेटा अपन डायरेक्ट रिजल्ट याद रख ले, उससे अपने पास कुछ कुछ क्वेश्चन में जो है टाइम बचता है, अगर नहीं याद रहता है तो आप इसको ऐसे बेबी कर्व से जो है बता सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहां तक, आई होप सो यहां तक सब कुछ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे, चलिए क्वेश्चन है अपने पास बेटा क्या, x माइनस टू थ्री एक्स माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस थ्री लेस देन जीरो, अब की बात चाहिए, तो राइट साइड बेटा जीरो है, टर्म्स ऑलरेडी फैक्टर के फॉर्म में, बिल्कुल फैक्टर के फॉर्म में, क्या बेटा सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो a माइ एक्स माइनस ए स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहां पे भी x माइनस ए टाइप का स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहां पे भी x प्लस ए, तो सारे के सारे टर्म्स जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो क्या करना है बेटा, जीरोस और पोल्स को प्लॉट कर लेंगे सीधा सीधा, क्या क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है बेटा माइनस थ्री, एक मिल रहा है बेटा फाइव बाई थ्री, और एक मिल रहा है अपने को क्या टू, तीन जीरोस मिल रहे हैं। पोल्स इसमें बेटा अगेन पोल्स है नहीं यहां पे, क्या मुझे यहां पे जीरोस को इंक्लूड करना है, तो देखिए इनइक्वालिटी स्ट्रिक्टली लेस देन है, स्ट्रिक्टली लेस देन पे जीरोस को आप इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इनको इंक्लूड नहीं करेंगे बेटा, इनको आपने कैसे मार्क कर देना है, ओपन सर्कल से मार्क कर देना है। स्टार्ट करेंगे राइट मोस्ट इंटरवल, राइट मोस्ट इंटरवल को कैसा साइन दे देंगे, प्लस का साइन दे देंगे। बेटा सभी फैक्टर्स की पावर कैसी है, सभी फैक्टर्स की पावर अगर ऑड है तो अल्टरनेटिवली क्या होते चले जाएगा, साइन पलटते जाएगा, तो यहाँ प्लस से स्टार्ट किया तो यहाँ माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ प्लस आ जाएगा, और फिर यहाँ आ जाएगा बेटा कैसा साइन, माइनस का साइन, ठीक है। याद रखिएगा अगर हर एक फैक्टर की पावर ऑड है तो अल्टरनेट इंटरवल्स में साइन जो है वो चेंज होता चला जाता है। अब बेटा मुझे कैसी वैल्यू चाहिए, मुझे लेस देन जीरो चाहिए, यानी मुझे चाहिए नेगेटिव, तो नेगेटिव कहां से कहां तक मिल रही है बेटा मुझे, तो सबसे पहले मुझे कहां से कहां तक मिल रही है, सबसे पहले इंटरवल में यानी माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री तक, और माइनस थ्री पे ओपन आएगा क्योंकि बेटा जीरो को इंक्लूड नहीं करना है। और उसके बाद नेगेटिव मुझे कहां से कहां तक मिल रही है बेटा, नेगेटिव उसके बाद मुझे मिल रही है फाइव बाई थ्री से लेके टू तक, तो ये जो है मेरा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। तो कहां से कहां तक आया बेटा, माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री यूनियन फाइव बाई थ्री से लेके टू, ए ऑप्शन जो है वो अपने पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अब
अब आप जैसे जैसे सवाल करते जा रहे हैं ना, तो ये आपको आदत डालनी पड़ेगी कि मैं जीरोस पोल्स अलग अलग से ना लिखूं, सीधा नंबर लाइन पे प्लॉट कर डाले, है ना। चलिए देखते हैं आगे इसको। देखा बेटा, x प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आपको चाहिए। वही स्टेप मैं अब सीधा बेटा डायरेक्टली जीरोस और पोल्स पे मार्क करने आ गया। देखो राइट साइड जीरो है, ये भी स्टैंडर्ड में, ये भी स्टैंडर्ड में, ये भी स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड फॉर्म बताया, ये जीरो कहां पे हो रहा है, माइनस टू पे। माइनस टू से बड़ी वैल्यू कुछ डाल दो, जीरो डाल दो, पॉजिटिव बन रहा है, और माइनस टू से छोटी कोई वैल्यू डाल दो, नेगेटिव बन रहा है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सारे के सारे बेटा मार्क कर देंगे, सबसे लेफ्ट में माइनस टू, फिर वन और फिर फाइव। इनइक्वालिटी कैसी है, इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और बेटा इनइक्वालिटी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो मुझे इन तीनों को क्या करना होता है, इंक्लूड करना होता है। तो जीरोस को क्या कर लेंगे बेटा, इंक्लूड कर लेंगे अगर इनइक्वालिटी में इक्वल टू का साइन है। अब क्या करिए, सबसे राइट मोस्ट इंटरवल को कौन सा साइन दे देंगे, सबसे राइट मोस्ट इंटरवल को दे देंगे बेटा प्लस का साइन, और लेफ्ट मूव करना स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट मूव करना स्टार्ट किया, टकराए किससे, फाइव से। फाइव वाले की पावर कैसी है, ऑड। अगर बेटा फाइव वाले की पावर ऑड है तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। फिर और लेफ्ट मूव किए, किससे टकराए, वन से टकराए। वन वाले की पावर देखी बेटा कैसी है, इवन। अगर पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होता, तो यहां पे माइनस का माइनस ही रहेगा। एंड बेटा फिर और लेफ्ट चले, टकराए किससे, माइनस टू से। माइनस टू वाले फैक्टर की पावर कैसी है, ऑड है। और अगर पावर ऑड है तो साइन वापस से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस। मुझे कैसी चाहिए वैल्यू बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कहां से कहां तक मिल रही है बेटा मुझे, माइनस इंफिनिटी से माइनस टू तक। माइनस टू को इंक्लूड करेंगे, फिर बेटा माइनस टू से माइनस वन में कहीं पे भी नहीं मिल रही, बट माइनस वन सॉरी माइनस टू से वन तक कहीं पे भी नहीं मिल रही, नेगेटिव है। बट वन पे क्या है, जीरो, और वन को मैंने इंक्लूड किया है, तो आंसर में मुझे वन को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसको अगर जैसे एक आधी वैल्यू को अगर इंक्लूड करना होता है तो इस तरीके से आप इंक्लूड कर सकते हैं, हटाना होता है तो भी ऐसे हटा सकते हैं। और उसके बाद बेटा मेरे को प्लस और जीरो कहां से मिल रहा है, फाइव से लेके इंफिनिटी तक। तो ये जो है बेटा अपने पास इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन चेक करें तो कौन सा आ जाएगा अपने पास, माइनस इंफिनिटी से माइनस टू यूनियन फाइव से इंफिनिटी। कौन सा आ जाएगा बेटा यहां से, नन ऑफ दीज अपने पास आ जाएगा। कोई भी इंटरवेल इनमें से अपने पास जो अपना आंसर आया उसको मैच करता हुआ नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे बात समझ में, डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है बेटा, माइनस इंफिनिटी से माइनस टू, वन एंड फाइव से इंफिनिटी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पे बेटा। क्या चाहिए, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री लेस देन जीरो एंड x माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स ग्रेटर देन जीरो। बेटा देखिए अब यहां पे दो दो साइमल्टेनियस इनइक्वालिटी आ गई। अब ये है आपके पास क्या, एंड। और एंड किसको डिनोट करता है, याद रखिएगा, इंटरसेक्शन। एंड किसको डिनोट करता है, इंटरसेक्शन। और किसको डिनोट करता है बेटा, यूनियन को। अब ये भी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए एज वेल एज ये भी होनी चाहिए। तो बेटा मैं क्या करूंगा, इसको सेटिस्फाई करने वाली एक्स की वैल्यूज निकालूंगा, इसको सेटिस्फाई करने वाली एक्स की वैल्यूज निकालूंगा, और दोनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन, दोनों का कॉमन रीजन ले लेंगे। तो यहां पे बता देता हूं दो सेट का इंटरसेक्शन भी कैसे लिया जाएगा। देखिए सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को देखा बेटा अपन ने, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री लेस देन जीरो। तो मैं डायरेक्टली बेटा इसको लिख सकता हूं, एक्स बिलोंग्स फ्रॉम टू टू थ्री। x belongs from 2 to 3 क्यों लिख सकते हैं बेटा, अपन ने अभी अभी पढ़ा था x minus alpha into x minus beta अगर less than 0 चाहिए तो x कहां से कहां तक आ जाता है, अल्फा से बीटा तक आ जाता है। और वैसे भी अगर मार्क करके देखना चाहो तो 2 पे वैल्यू 0 है, 3 पे वैल्यू 0 है। 3 के राइट में कैसी है, पॉजिटिव, फिर साइन चेंज हो जाएगा, फिर साइन चेंज हो जाएगा। लेस देन 0 चाहिए तो बेटा 2 और 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो कहां से कहां तक नेगेटिव मिल रही है, 2 से लेके 3 तक नेगेटिव मिल रही है। अगर इस इनइक्वालिटी को देखते हैं तो बेटा इस इनइक्वालिटी में हम x को लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी से 5 यूनियन 6 से इंफिनिटी। अगर x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ग्रेटर देन 0 दे रखा है बेटा कहीं पे, तो x कहां से कहां तक बिलोंग करता है, माइनस इंफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी। और अगर आप वैसे नहीं मानते तो भाई ऐसे लिख लीजिए, 5 और 6 पे वैल्यू 0 है, इनको इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। सबसे राइट में प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस।
बेटा मुझे चाहिए था ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो यानी कि प्लस, और प्लस मुझे कहां से कहां तक मिल रहा है, माइनस इंफिनिटी से फाइव तक और सिक्स से लेके इंफिनिटी तक। तो इस इनइक्वालिटी का आंसर बेटा टू से थ्री आया, इस इनइक्वालिटी का आंसर मेरे पास ये आया। अब दोनों का मुझे क्या लेना है, दोनों का मुझे लेना है इंटरसेक्शन। तो बेटा इंटरसेक्शन के लिए क्या करिए, दोनों इंटरवल्स को आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। कैसे नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे बेटा, पहला इंटरवल कहां से कहां तक है, टू से लेके थ्री तक है, तो टू से लेके थ्री तक अपन ने ऐसे मार्क कर लिया भाई, व्हाइट वाला रीजन है टू से लेके थ्री तक। उसके बाद अगला जो है अपने पास, इसको अपन ग्रीन से कर लेते हैं भाई, कहां है, माइनस इंफिनिटी से फाइव, माइनस इंफिनिटी से फाइव और सिक्स से इंफिनिटी, ये आगे का और ये पीछे का रीजन। इंटरसेक्शन में बेटा क्या चाहिए होता है, जो दोनों में कॉमन आ रहा हो, दोनों में अगर कॉमन देखा जाए तो जो ग्रीन और व्हाइट दोनों में कॉमन आ रहा है बेटा, वो यही रीजन आ रहा है अपने पास। तो बेटा इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। और इंटरसेक्शन क्या आता है दोनों का बेटा, टू से लेके थ्री ही दोनों का इंटरसेक्शन आ जाता है। तो अगर ऐसी इनइक्वालिटी दे रखी हो साइमल्टेनियस की, भाई ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए एंड ये भी होनी चाहिए, तो दोनों को अलग से सॉल्व करिए और दोनों का क्या ले लीजिए आप, इंटरसेक्शन। अगर यहीं पे बेटा और दिया होता तो आप दोनों का क्या ले लेते, यूनियन, कि या तो ये सेटिस्फाई हो जाए और या तो ये हो जाए, तो उस केस में यूनियन लेंगे। यहां पे अब दोनों होनी चाहिए, एंड है तो क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इनइक्वालिटी है अपने पास एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री रेज टू पावर 80, एक्स माइनस टू रेज टू पावर 25 अपॉन एक्स माइनस वन रेज टू पावर 40। पहला काम राइट साइड में जीरो है, फैक्टर्स ऑलरेडी बेटा फैक्टर्स आपको करके दे रखे हैं, क्या सभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो एक्स प्लस ए स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स माइनस ए स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स माइनस ए स्टैंडर्ड फॉर्म है, तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। नेक्स्ट क्या करेंगे, जीरोस और पोल्स निकालेंगे। जीरोस बेटा मेरे पास क्या क्या आएंगे, न्यूमरेटर जीरो कहां कहां पे होगा, माइनस थ्री पे जीरो हो जाएगा और टू पे जीरो हो जाएगा। और पोल्स क्या क्या आएंगे, डिनोमिनेटर बेटा जीरो कहां कहां पे होगा, वन पे होगा बस। तो बेटा आप तीनों को आपने मार्क कर लेना है किस पे, नंबर लाइन पे, माइनस थ्री वन और। अब उसके बाद बेटा देखो पोल्स जब भी आ जाए आपके पास तो पोल्स को हमेशा ओपन सर्कल से मार्क कर देते हैं, क्योंकि पोल्स को कभी भी सॉल्यूशन में अपन इंक्लूड नहीं करेंगे, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जीरोस के लिए इनइक्वालिटी देखिए, इनइक्वालिटी में इक्वल टू का साइन अगर है तो जीरोस को आप आंसर में इंक्लूड रखोगे, आंसर में इंक्लूड रखोगे तो इनको कैसे मार्क करेंगे, डार्क सर्कल बेटा या क्लोज्ड सर्कल से मार्क करेंगे, ये अपने आंसर का हिस्सा होंगे क्योंकि इनपे वैल्यू जीरो बन रही है और जीरो जो है बनने पे इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। अब स्टार्ट करेंगे बेटा राइट मोस्ट इंटरवल से, राइट मोस्ट इंटरवल को दे देंगे प्लस साइन और लेफ्ट मूव करना स्टार्ट करेंगे। टू से टकराए, टू वाले फैक्टर की पावर कैसी है बेटा, टू वाले फैक्टर की पावर मेरे पास ऑड है, पावर ऑड है तो साइन पलट जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, साइन माइनस हो जाएगा। अब बेटा मैं टकराया किससे, वन से, वन से टकराया, वन वाले फैक्टर की पावर कैसी है, वन वाले फैक्टर की पावर इवन है, 40 है ना पावर बेटा, अगर पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होता, माइनस का क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। उसके बाद और लेफ्ट मूव किए तो किससे टकराया, माइनस थ्री से, माइनस थ्री वाला फैक्टर जो है ये एक्स प्लस थ्री की पावर 80, इसकी पावर 80 यानी इवन है, तो वापिस से साइन चेंज नहीं होगा, तो वापिस से साइन चेंज नहीं हुआ, यहां पर भी कैसा आ गया, नेगेटिव। अब आपने एक बार इंटरवल्स को साइन दे दिया, उसके बाद अपना आंसर लिखना होता है। आंसर के लिए मुझे कैसा चाहिए बेटा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो चाहिए, तो कहां से कहां तक मिल रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो तो बेटा मेरे को कहां से कहां तक, टू से इंफिनिटी मिल रहा है। बट एक चीज और ध्यान रखनी है बेटा, किसको, माइनस थ्री को भी आपको इंक्लूड करना होगा, क्योंकि माइनस थ्री पे वैल्यू क्या बन रही है, जीरो, और माइनस थ्री को मैंने किससे मार्क किया है, डार्क सर्कल से। इवन तो यहां पे माइनस माइनस है बट यहां माइनस थ्री पे वैल्यू क्या हो रही होगी, माइनस थ्री पे वैल्यू जीरो हो रही होगी, और वो जो पॉइंट है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो बेटा आप लिखेंगे कि एक्स या तो माइनस थ्री हो सकता है और या तो टू या टू से बड़ा कुछ भी हो सकता है, तो आंसर आ जाएगा टू से इंफिनिटी यूनियन माइनस थ्री। ठीक है, हाँ बेटा इसके बाद बात करते हैं इस इनइक्वालिटी की, 7 माइनस एक्स का होल क्यूब, एक्स प्लस वन की पावर 4,
डिवाइडेड बाय x माइनस 3 की पावर 15 और 5 माइनस x की पावर 18। पॉज करके बेटा आप अपने आप आंसर निकालने की कोशिश करिएगा और मैच करके देखिएगा। देखो सबसे पहला काम, राइट साइड जीरो है, राइट साइड ऑलरेडी जीरो है, सभी टर्म्स ऑलरेडी फैक्टर्स कर रखे हैं, फैक्टर्स फॉर्म में है अपने पास। उसके बाद बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 7 माइनस एक्स जो है स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो उसको लिखूंगा बेटा माइनस ऑफ x माइनस 7 एंड इसकी होल पावर में क्या 3। फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है बेटा x प्लस ए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिवाइडेड बाई क्या आ गया x माइनस 3 की पावर 15, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगला टर्म देखते हैं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो बेटा यहां से आप इसको क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ x माइनस 5 की पावर 18 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए बेटा माइनस 1 है ना, पे माइनस 1 की पावर 3, माइनस 1 की पावर 3 क्या आएगा, माइनस आएगा, ये आएगा माइनस ऑफ x माइनस 7 का होल क्यूब। उसके बाद बेटा x प्लस 1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 की पावर 15 एंड यहां पे माइनस 1 की पावर 18 है बेटा, ये पावर कितनी है 18 और माइनस 1 की पावर 18 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो इस माइनस को आप नहीं लिखेंगे क्योंकि ये माइनस 1 की पावर 18 क्या बन गया 1, इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख लूंगा x माइनस 5 की पावर 18 और बेटा ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अब बेटा इस माइनस से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी को क्या कर देंगे आप, रिवर्स कर देंगे और अब इनइक्वालिटी हो जाएगी मेरे पास लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई अपने पास, अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, जीरोस और पोल्स को मार्क कर लेंगे। बेटा क्या क्या है जीरोस एंड पोल्स अपने पास, माइनस 1, 3, 5 एंड 7। अब इसमें से पोल्स क्या क्या है, पोल्स है बेटा 3 और 5, तो पोल्स को तो हमेशा किससे मार्क करना है, ओपन से मार्क करना है, तो 3 और 5 पोल है बेटा, इनको ओपन से मार्क कर लिया। अब माइनस 1 और 7 जो है वो जीरोस है और जीरोस को मुझे इंक्लूड करना है क्योंकि इनइक्वालिटी पे क्या इक्वल टू का साइन है, तो बेटा माइनस 1 और 7 को मैं डार्क सर्कल से मार्क कर लूंगा। अब बेटा स्टार्ट करेंगे किससे, सबसे राइट वाले इंटरवल से, उसको कौन सा साइन दे दिया, प्लस का साइन दे दिया और लेफ्ट मूव करना स्टार्ट करें, लेफ्ट मूव करना स्टार्ट करें, किससे टकराए, 7 से टकराए, 7 वाले फैक्टर की पावर बेटा देखिए हमने, 7 वाले फैक्टर की पावर 3 यानी कि ऑड है, ऑड है तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा बेटा माइनस। फिर और लेफ्ट मूव करें किससे टकराए, 5 से, 5 वाले फैक्टर की पावर कैसी है 18, 18 कैसा है इवन, इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। फिर और लेफ्ट मूव करेंगे बेटा 3 से टकराएंगे, 3 वाले फैक्टर की पावर कैसी है ऑड 15 है, तो पावर अगर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा वापस से प्लस हो जाएगा। एंड लास्टली बेटा किससे टकराए, 1 वाले फैक्टर से, तो x प्लस 1 की पावर कैसी है बेटा 4, 4 यानी कि इवन और पावर अगर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, ये लिख दिया अपन ने। अब बेटा जो फाइनल इनइक्वालिटी जो अपन ने प्रोसेस करके स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाई थी इसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है, ठीक है ना, ओरिजिनली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, उसको प्रोसेस करके यहां तक लेके आए, इसके हिसाब से आंसर लिखेंगे आप हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से। तो अपने को क्या चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए, तो सबसे पहले बेटा सबसे लेफ्ट से मूव करना स्टार्ट किया, लेस देन इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई करता हूं, कुछ नहीं मिला, क्या मिला सबसे पहले माइनस 1 मिला केवल और केवल, फिर कुछ नहीं मिला, फिर 3 से लेके 5 मिला और फिर मिला बेटा 5 से लेके 7 और 7 को करेंगे आप इंक्लूड। इसको बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x belongs from 3 से लेके 7 यूनियन माइनस 1 एक्सेप्ट फॉर 5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही तरीके बेटा इसके सही है। देखिए लेफ्ट से मूव करना स्टार्ट किया, सबसे पहले माइनस 1 सेटिस्फाई करता हुआ आया लेस देन इक्वल टू 0 को, फिर नेगेटिव नेगेटिव यहां पे मिला और फिर 7 को आपने इंक्लूड कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेटा ये क्वेश्चन जो है टैकल इजीली कर सकते हैं। मूविंग अहेड और क्वेश्चंस देखते हैं अपन, जैसे ये आ गया अपने पास है ना, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, क्या आया बेटा अपने पास,
8 की पावर x माइनस 9 की पावर x, ऐसे कुछ टर्म है। चलो तो पहले तो बेटा क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। 8 की पावर x माइनस 9 की पावर x को तो एज इट इज रहने दिया। इसको देखा बेटा, ये है अपने पास माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, तो इसमें से क्या करता हूं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं। माइनस कॉमन ले लेंगे बेटा, तो माइनस कॉमन लेने के बाद माइनस 1 की पावर 5 बाहर आएगा, और माइनस 1 की पावर 5 क्या हो जाता है, माइनस 1 हो जाता है। तो माइनस 1 की पावर 5 क्या हो जाता है, माइनस 1, माइनस बाहर आ गया। यहां पे लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, ठीक है। उसके बाद बेटा x प्लस 3 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय, यहां पे बेटा x की पावर 22 लिखी, एंड इसको देखिए ये बनेगा x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू x प्लस 1 का होल क्यूब ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको कैसे फैक्टर करके लिख सकते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 अगर आपके पास, देखिए इस वैल्यू को अगर देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 अभी फैक्टराइज नहीं हो रखी, बट अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का, डिस्क्रिमिनेंट आ जाता है बेटा नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट कितना बनेगा, 4 माइनस 12, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि कैसा बन रहा है बेटा, नेगेटिव बन रहा है। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और लीडिंग कोफिशियंट बेटा किसी भी क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोफिशियंट अगर पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो ये जो क्वाड्रेटिक है चाहे x की वैल्यू कुछ भी रखते रहो, ऑलवेज कैसी बनती है, पॉजिटिव। यहां पे बेटा लिख सकते हैं आप इसको अलग से, अगर कोई क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मेरे पास है ना, ऐसा एक टर्म है मेरे पास, तो मैं फैक्टराइज करने की कोशिश करूंगा उसको। अगर उसके रियल रूट्स होंगे तो वो फैक्टराइज हो जाएगा, यानी अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होगा, जैसे अगर ये होता एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होता, तो बेटा इसको तो मैं x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 करके फैक्टराइज करके सिंपली लिख सकता था। बट जहां पे फैक्टराइज नहीं हो पाते, कहां पे फैक्टराइज नहीं हो पाते, जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए, जब उसके रियल रूट्स ही ना हो। तो बेटा जब अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए और लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा हो, पॉजिटिव हो, किसी भी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव और लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो जाए, तो वो क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। कैसी, ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। और अगर बेटा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो और लीडिंग कोएफिशिएंट भी नेगेटिव हो, लीडिंग कोएफिशिएंट बोला जाता है बेटा एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को, अगर वो दोनों नेगेटिव हो, तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक होती है वो ऑलवेज नेगेटिव बनती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब अगर मैं यहां पे देखता हूं बेटा, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कैसा है, नेगेटिव। इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव। 1 है ना लीडिंग कोएफिशिएंट, तो ये वैल्यू जो है वो कैसी रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाली है। और अगर कोई वैल्यू बेटा ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो मैं उसको क्या कर देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी इसकी पावर 5 भी है ना, तो ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, उसकी पावर 5 भी कर दूं तो भी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। तो बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और जीरो के अपॉन में ये आएगा, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये हमें माइनस साइन है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, लिख लिया 9 की पावर x माइनस 8 की पावर x इंटू में आ गया बेटा x प्लस 3 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय x की पावर 22 x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू x प्लस 1 का होल क्यूब ग्रेटर देन 0। इस फॉर्म में आ गया बेटा, मुझे देखना है कि क्या सारे टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, तो ये वैल्यू जीरो कब बन रही है, 9 की पावर x माइनस 8 की पावर x जीरो कब बनेगी बेटा, जब x को क्या रख दूं, जीरो। x को जीरो रखूंगा तो 9 की पावर 0 1 बनेगा, 8 की पावर 0 भी 1 बनेगा, टोटल वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो अगर मैं जीरो के आगे की कोई वैल्यू डाल रहा हूं बेटा, इसके लिए अगर मैं जीरो पे देख रहा हूं तो वैल्यू जीरो बन रही है। जीरो से आगे ही कोई वैल्यू डाल लो, 1 डाल के देख लो, 1 पे कैसी मिल रही है, 9 माइनस 8 कैसी मिल रही है, पॉजिटिव। और 1 से पहले कैसी मिल रही है, नेगेटिव, सॉरी 0 से पहले कैसी मिल रही है, नेगेटिव, 0 के बाद कैसी मिल रही है, पॉजिटिव। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके पास, और बेटा ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये तो बाकी सारे आपको सीधे सीधे ही पता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। जब तक x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, है ना। इसमें क्या x की वैल्यू 0 डालने पे क्या बन रहा है, ये भी 1 ये भी 1, तो टोटल वैल्यू 0 बन जा रही है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखने के लिए 0 से बड़े पे पॉजिटिव बिल्कुल पॉजिटिव आ रहा है, 0 से छोटे पे नेगेटिव बिल्कुल नेगेटिव आ रहा है, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में।
अब क्या करेंगे बेटा, जीरोस और पोल्स को मार्क कर लेंगे। देखिए यहां पे जीरोस क्या क्या आएंगे, न्यूमरेटर जीरो किस किस के लिए हो रहा है, ये वैल्यू जीरो किसके लिए हो रही है, एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए और ये माइनस थ्री के लिए। पोल्स क्या क्या आए बेटा, पोल्स मेरे पास आए एक तो जीरो आएगा, एक वन आएगा और एक माइनस वन आएगा। अब देखो यहां पे इंटरेस्टिंग बात ये है, जीरो के लिए न्यूमरेटर भी जीरो हो रहा है, डिनोमिनेटर भी जीरो हो रहा है, तो उसको जीरो कंसीडर किया जाए या पोल कंसीडर किया जाए। तो बेटा अगर किसी वैल्यू के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जीरो होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं, उसको पोल कंसीडर किया जाता है। तो अपन सारे मार्क कर लेंगे भाई, माइनस थ्री माइनस वन जीरो और वन, जीरो वन और माइनस वन तीनों को अपन क्या कंसीडर करेंगे, पोल, और माइनस थ्री को बस मैं बेटा जीरो में कंसीडर करूंगा। इनइक्वालिटी कैसी है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है तो बेटा माइनस थ्री को भी इंक्लूड आपको नहीं करना, फिर तो माइनस थ्री को भी इंक्लूड नहीं करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो इंक्लूड करते, माइनस थ्री को भी इंक्लूड नहीं करना, डिवाइड हो गया। अब क्या करना है, साइन देना है, साइन देना है तो बेटा सबसे राइट मोस्ट को कैसा साइन दे दिया आपने, सबसे राइट मोस्ट को प्लस का साइन दे दिया, लेफ्ट मूव करना स्टार्ट किया, वन से टकराए, वन वाले की फैक्टर की पावर ऑड, वन वाले फैक्टर की पावर ऑड है तो साइन बदल जाएगा। फिर आए जीरो वाले पे, जीरो वाला फैक्टर बेटा डिनोमिनेटर में भी है और न्यूमरेटर में भी है। देखिए न्यूमरेटर में पावर वन है और डिनोमिनेटर में पावर 22 है, तो इफेक्टिव पावर देखी जाए तो 21 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, ऑड हो जाएगी भाई, एक जगह ऑड है और एक जगह इवन है, तो इफेक्टिव पावर तो ऑड हो गई, ऑड हो गई तो साइन चेंज हो जाएगा। बेटा देखिए जीरो वाले की यहां पे पावर 22 है, यहां पे पावर 1 है, तो इफेक्टिव पावर तो ऑड ही बन रही है, ऑड बन रही है तो साइन पलट जाता है। फिर बेटा हम टकराए माइनस वन वाले फैक्टर से, माइनस वन वाले फैक्टर की पावर अगेन ऑड है, ऑड है तो वापिस से साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। फिर टकराए बेटा अपन किससे, माइनस थ्री वाले फैक्टर से, उसकी पावर भी कैसी है, ऑड, तो वापिस से साइन चेंज हो जाएगा। अब लास्ट वाले से मुझे कैसा चाहिए, ग्रेटर देन जीरो चाहिए, ग्रेटर देन जीरो यानी कि जहां जहां पे प्लस हो, तो बेटा मैं एक्स को बिलोंग करता हुआ लिख दूंगा माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री यूनियन माइनस वन से जीरो यूनियन वन से इंफिनिटी। जहां जहां पे प्लस साइन दिख रहा है, ग्रेटर देन जीरो चाहिए तो जहां जहां पे प्लस दिख रहा है वो आपका बेटा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये सवाल भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ भाई, ये अपने पास x माइनस टू एक्स माइनस फोर एक्स माइनस सेवन अपॉन x प्लस टू एक्स प्लस फोर एक्स प्लस सेवन ग्रेटर देन वन। अब बेटा सबसे पहला स्टेप होता है राइट साइड में जीरो बनाना। अब राइट साइड में जीरो कैसे बनाए, क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अपने को पता है भाई ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, जब तक साइन गारंटी ना हो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। तो क्या करेंगे, वन को लेफ्ट साइड लेके चलिए बेटा, वन को लेफ्ट साइड लेके चलते हैं और इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि बाद में सिंप्लीफाई करके फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो बेटा ये बन रहा है मेरे पास एक्स क्यूब माइनस सेवन फोर और टू थर्टीन एक्स स्क्वायर, उसके बाद बेटा बनेगा प्लस 28, 28 प्लस 14, 42, 42 प्लस 8, 50 एक्स एंड माइनस में 56 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 50 एक्स माइनस 56 एंड माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। बेटा वन को कहां लेगा, लेफ्ट साइड में लेगा। अब क्या करना है, अब एलसीएम ले लीजिए, है ना, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते बेटा अपन जब तक साइन पता ना हो, साइन पता है क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बट राइट साइड में जीरो बनाना है, जीरो बनाना तो वन को लेफ्ट लाना पड़ेगा, लेफ्ट लेके आ गए फिर फैक्टराइज भी करना पड़ता है, फैक्टराइज करना पड़ेगा तो बेटा इनको मल्टीप्लाई करके पहले एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम मेरे पास क्या आ जाएगी, एलसीएम बेटा यही आ जाएगी एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 50 एक्स माइनस 56। ऊपर क्या क्या बचेगा बेटा, एक्स क्यूब माइनस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 50 एक्स माइनस 56 माइनस एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 50 एक्स एंड प्लस 56 ग्रेटर देन जीरो। बेटा यहां पे प्लस 56, ठीक है, तो बेटा एक्स क्यूब और 50x, एक्स क्यूब और 50x कैंसिल आउट हो जाता है, बच क्या जाता है मेरे पास माइनस 26 एक्स स्क्वायर माइनस 112
डिवाइडेड बाय, बेटा डिनोमिनेटर को मैं ऐसे लिख सकता हूं आप इससे, x प्लस टू, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस सेवन, एंड ये मेरे को कैसा चाहिए, ग्रेटर देन जीरो चाहिए। अब बेटा देखिए, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो तो ये बनता है, ठीक है, 26x square plus 112, ये वैल्यू मेरे पास ऑलवेज कैसी रहेगी, ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, तो इसको क्या कर सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, बेटा इस वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो अपॉन में जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, यहां पे रह गया वन, फिर क्या माइनस साइन है, तो माइनस को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या करनी पड़ेगी, चेंज, बेटा माइनस वन से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब मेरे पास बच जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस सेवन, और इनइक्वालिटी अब हो जाएगी बेटा क्या, रिवर्स, लेस देन जीरो। अब की बार देखिए, न्यूमरेटर में कोई टर्म नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर में बचा, कुछ नहीं, जीरोस नहीं आएंगे, पोल्स आएंगे बस बस, तो सीधा बेटा मैं पोल्स मार्क कर लेता हूं, पोल्स क्या क्या हो जाएंगे, माइनस सेवन, माइनस फोर और माइनस टू, माइनस सेवन, माइनस फोर और माइनस टू, बेटा पोल्स को तो कभी भी इंक्लूड करते नहीं है, पोल्स को कभी भी इंक्लूड करते नहीं, तो उनको ओपन सर्कल से मार्क कर दिया। अब क्या करना है, राइट मोस्ट इंटरवेल को प्लस साइन दे दिया। अब बेटा देखो, सभी फैक्टर्स की पावर कैसी है, सभी फैक्टर्स की पावर ऑड है, तो ऑल्टरनेट साइन चेंज हो जाएगा, यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस और यहां पे माइनस। लास्ट वाली इनइक्वालिटी से बेटा मुझे कैसा चाहिए, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो यानी कि माइनस, तो नेगेटिव कहां से कहां तक बेटा मुझे मिल रहा है, मिल रहा है एक्स बिलोंगिंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से माइनस सेवन यूनियन माइनस फोर से माइनस टू तक। तो इस तरीके से बेटा अपन इस इनइक्वालिटी का आंसर जो है वो कर देंगे, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। आपको एक इनइक्वालिटी दे रखी है और बोल रहा कितनी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो बेटा पहला काम तो ये करिए, आप सारी वैल्यूज ऑफ एक्स निकाल लो जो इसको सेटिस्फाई करती हैं, है ना, पॉज करिए और ट्राई करिए एक बार, सारी वैल्यूज ऑफ एक्स निकालने की कोशिश करिए जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, देन लुक फॉर द सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं बेटा क्या है अपने पास, टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस 2x माइनस वन अपॉन, बेटा यहां पे x क्यूब प्लस वन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिखा जा सकता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बेटा ये सिंपल सी एक आइडेंटिटी होती है अपने पास a क्यूब प्लस बी क्यूब की, क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो उसी आइडेंटिटी का बेटा हम यूज करेंगे और इसको लिख लेंगे इस तरीके से, एंड अपने को ये चाहिए कैसा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अपने को कौन सी फॉर्म बनानी है, px अपॉन qx की ना, तो बेटा एलसीएम लेंगे। अब तो एलसीएम लेंगे, अपने पास आ जाएगा क्या, x प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एंड न्यूमरेटर में बेटा देखिए यहां पर आएगा टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन यानी कि टू एक्स प्लस टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, एलसीएम लेते चलिए, एंड बेटा आ जाएगा माइनस टू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। कुछ कैंसल आउट होता दिख रहा है अपने को, प्लस टू एक्स और माइनस टू एक्स कैंसल आउट हो गया, बेटा प्लस वन और माइनस वन कैंसल आउट हो गया, न्यूमरेटर में अपने पास बन गया क्या, माइनस कॉमन ले लेते हैं बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ये न्यूमरेटर में बन गया, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए बेटा। अब तो ये माइनस साइन को क्या करते हैं, माइनस को हटा देते हैं, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इनइक्वालिटी को कर देते हैं क्या, रिवर्स। तो देखिए अब राइट साइड मेरे पास जीरो है, क्या सभी टर्म्स फैक्टर्स है, फैक्टर नहीं कर रखे, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स करना पड़ेगा। तो बेटा अब इसको फैक्टराइज अगर आप करते हो तो आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू को लिखेंगे बेटा एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, ये इसके फैक्टर्स हो गए आपके पास न्यूमरेटर वाले टर्म के, ये एक्स प्लस वन बेटा एज इट इज आ गया, एंड ये टर्म अगर देखते हैं बेटा इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, नेगेटिव, और लीडिंग कोफिशियंट क्या है, वन, लीडिंग कोफिशियंट वन है, पॉजिटिव है, तो बेटा ये वैल्यू कैसी बनेगी, ऑलवेज
ये ऑलवेज कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, और ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू को बेटा क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, जीरो से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, जीरो ही रह जाएगा, ये रह जाएगा अपने पास लेस देन इक्वल टू जीरो। बेटा ध्यान रखिएगा, मैंने आपको एक चीज बताई थी, यहाँ पे x प्लस वन और x प्लस वन को अभी कैंसिल आउट नहीं करेंगे क्योंकि ये जीरो भी है और पोल भी, और कैंसिल आउट कर देंगे तो फिर मैं इसको पोल नहीं मानूंगा, मुझे उसको क्या मानना है, पोल। तो पहले जीरो और पोल लिख लीजिए, तो जीरोस और पोल्स बेटा मेरे पास क्या क्या बन जाते हैं देख लीजिए, क्या गया माइनस वन और टू। माइनस वन मेरे पास पोल रहेगा और टू जीरो रहेगा। क्या टू को इंक्लूड करना है, तो टू को बिल्कुल बेटा इंक्लूड आपको करना है। स्टार्ट करेंगे राइट मोस्ट इंटरवल से, साइन दे दिया कैसा प्लस का, लेफ्ट मूव करे बेटा किससे टकराए, टू से। टू वाले फैक्टर की पावर कैसी है, ऑड। टू वाले फैक्टर की पावर ऑड है तो साइन प्लस से किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। अब बेटा माइनस वन वाले फैक्टर की एक पावर ऊपर है एक पावर नीचे, तो टोटल पावर तो क्या बन रही है, जीरो बन रही है ना, टोटल पावर इवन बन रही है, इवन बन रही है तो साइन चेंज नहीं होगा, माइनस का माइनस ही आएगा। तो बेटा अब यहां से मैं लिख सकता हूं, मुझे चाहिए लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो नेगेटिव कहां कहां से मिल रहा है मुझे, माइनस इंफिनिटी से लेके कंप्लीट टू तक लिख देते हैं, और बेटा माइनस वन को क्या करते हैं इस इंटरवल से निकाल देते हैं। नेगेटिव यहां पे मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है, बस माइनस वन पे नहीं सेटिस्फाई करता हुआ आ रहा, तो अपन ने पूरा इंटरवल लिख दिया जो सेटिस्फाई करता हुआ, और उसमें से किसको हटा दिया, माइनस वन को हटा दिया। तो ये अपने पास आंसर आया बेटा, ठीक है। अपने को कैसा चाहिए, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज, कौन कौन से इंटीजर्स ऐसे हैं जो नॉन नेगेटिव हैं, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो बेटा देखिए, अगर हम बात करते हैं माइनस इंफिनिटी से, तो माइनस इंफिनिटी से अगर मैं माइनस वन तक की बात करूं, तो सारे के सारे कैसे इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, वो मुझे काउंट नहीं कर रहे, मुझे नॉन नेगेटिव काउंट करना है। तो नॉन नेगेटिव क्या क्या मिला मुझे बेटा, एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो बेटा नॉन नेगेटिव इंटीग्रल है, और क्या मिलेगा, वन मिलेगा, और क्या मिलेगा बेटा, टू। तीन नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन मेरे को इस इक्वेशन के मिल जाएंगे, जीरो वन एंड टू, ठीक है। तो आंसर अपने पास कितना हो जाएगा, टू सॉरी थ्री नॉन इंटीग्रल, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ठीक है। मूविंग ऑन अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखा बेटा अपन ने, ठीक है, पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा यहां तो दोनों साइड ही बेटा टर्म्स आ गए, क्या कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, देखो याद रखना तब तक, क्योंकि ये जो है ना ऑलवेज नेगेटिव है ना ऑलवेज पॉजिटिव है बेटा, अगर ऑलवेज नेगेटिव ऑलवेज पॉजिटिव नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लेके चलिए, लेफ्ट साइड में लेके चलते हैं, क्या बनेगा, 14x अपॉन x प्लस 1 माइनस 9x माइनस 30 अपॉन x माइनस 4, और अब आ गया बेटा ये लेस देन 0, तो राइट साइड में 0 बनाने वाला काम हो गया मेरे पास। अब क्या करना है बेटा, एलसीएम लूंगा और फैक्टर्स करूंगा, तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या बनी अपने पास, एलसीएम बनी भाई x प्लस 1 इंटू x माइनस 4, ये बनी। अब बेटा x माइनस 4 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14x स्क्वायर माइनस 56x, फिर बेटा माइनस का आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 9x, फिर आ जाएगा बेटा प्लस 30x, एंड प्लस 30 इज लेस देन 0, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम आ जाएगा अपने पास। तो बेटा कंप्लीटली अगर इसको लिख रहे हैं तो बन रहा है 5x स्क्वायर और माइनस 35x एंड प्लस 30 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू x माइनस 4 लेस देन 0 चाहिए। बेटा 5 कॉमन ले लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू x माइनस 4 लेस देन 0। अब 5 कैसी वैल्यू है, 5 तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू है, तो 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा 0 अपॉन 5, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब आप इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करके बेटा क्या लिखा जा सकता है इसको, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन x माइनस 1 इंटू x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू x माइनस 4 लेस देन 0।
बेटा क्या करना है, जीरोज और पोल्स आइडेंटिफाई कर लेंगे। जीरोज क्या क्या है मेरे पास, जीरोज है 1 और 6, और पोल्स क्या क्या है बेटा मेरे पास, 4 और -1। जीरोज और पोल्स लिख लिए, पोल्स को कभी भी आप आंसर में इंक्लूड नहीं करते तो पोल्स को ओपन सर्कल से मार्क कर लेंगे बेटा। और यहां पे तो जीरोज को भी इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि इनइक्वालिटी क्या स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो जीरोज को भी आप ओपन से मार्क कर लेंगे। सबसे राइट मोस्ट इंटरवल को दे देंगे प्लस साइन। अब बेटा देखिए सभी फैक्टर्स की पावर, इसकी भी पावर ऑड, इसकी पावर ऑड, इसकी पावर ऑड, सबकी पावर ऑड है तो अल्टरनेट क्या हो जाएगा, साइन पलटता चला जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा बेटा वापस से प्लस का साइन। तो बेटा अगर हम सॉल्यूशन सेट लिखना चाह रहे हैं इसका, तो एक्स कहां से कहां तक बिलोंग करता हुआ आ जाएगा, मुझे चाहिए लेस देन जीरो, तो सबसे पहले आएगा -1 से लेके 1 तक, और उसके बाद आएगा बेटा 4 से लेके 6 तक। तो अगर x को मैं यहां से लेके यहां तक या यहां से लेके यहां तक रखता हूं तो वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता हुआ मिल जाता है। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए बेटा अपन इतना ही रखते हैं, और सवाल जो है आप ट्राई करते रहिएगा। वन शॉट में मैंने कंप्लीट कवर अप करने की कोशिश करी है इसको, है ना। वही जो है कंप्लीट आपके पास जो मैंने मेथड बताया, किसी भी टाइप की रैशनल इनइक्वालिटी हो, चाहे डिनोमिनेटर हो चाहे ना हो, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करते रहिए। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है, जैसे कोई ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट ऑलवेज नेगेटिव के केस में क्या होगा, इनइक्वालिटी को रिवर्स करना पड़ेगा। अगर कोई क्वाड्रेटिक है जिसके फैक्टर्स नहीं हो पा रहे, यानी जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो उसका लीडिंग कोएफिशिएंट देखो, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव और लीडिंग कोएफिशिएंट भी अगर नेगेटिव है तो ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इनइक्वालिटी रिवर्स कर दो। बस ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, यही देख के आपको ध्यान में रखना है। बस ये ध्यान रखिएगा बेटा जब आंसर लिखते हैं तो जो क्लोज्ड वाले टर्म्स हैं, जीरोस जिस केस में इक्वल टू का साइन होता है, उनको भूल मत जाइएगा कहीं पे नहीं आ रहे हो ना। जैसे अपने पास कई कई क्वेश्चंस में अगर देखें तो अलग से लिखना पड़ता है, जैसे भाई यहां पे अगर देखें अपन, जैसे इस क्वेश्चन में अगर देखें भाई, तो -1 जो है वो वैसे तो मिस हो जाता, बट -1 पे सेटिस्फाई कर रहा है, इससे पहले नहीं कर रहा है, इससे बाद में नहीं कर रहा, बट -1 तो कर रहा है ना, तो उसको आपको क्या करना है, इंक्लूड करके रखना है। ठीक है बेटा, तो इस लेक्चर की अपन इतना ही रखेंगे। आप अच्छे से पढ़ते रहिए और ज्यादा से ज्यादा सवाल करिए। अगर आप ग्रेविटी में है, कोई डाउट है आपको, तो आप कभी भी आके डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो पढ़ाई करिए बहुत अच्छे से और सवाल करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।